जी जी अब ठीक है, एक बार बता दीजिए, अब आवाज आ रही है? जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ममताज जी, हाय शाइना, रवीना, धर्मपाल जी, ओके अब आवाज आ रही है तो एक बार हम कनेक्ट हो लेते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है आज, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है और आप सब लाइव आ चुके हैं मेरे साथ। चलिए जी जी धर्मपाल जी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, यस रिकॉर्डिंग ऑन है जी। स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट, मैं आपकी मेंटोर आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल के ऊपर। बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, है ना? आज का सबको पता था कि आज मॉक टेस्ट है शाम को 4 बजे, संडे का दिन स्पेशल रखा गया था और हमारे सारे इंडियन लिटरेचर के जो राइटर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हाय मनिंदर जी, ममताज जी वेलकम जी। बच्चों को एक बार कनेक्ट होने देते हैं, 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के आगे होगा 2 मिनट में जी। सबको आ लेने देते हैं पहले, आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी हमारी क्लास में जी। हेलो सानिया कैसा रहा आपके ये 2 दिन कैसे रहे? सारा लिटरेचर आपने रिवाइज किया, किस तरीके का एक्सपीरियंस था सारा? एक बार शुरू से आरके नारायण से लेके लास्ट एके रामानुजन तक, अनीता देसाई हमारा कल का वर्क था, सब आपने रिपीट किया। बच्चे नीरज जी कह रहे हैं कि नो वीडियो नो ऑडियो, क्या ऐसा है? दीक्षा आप बताइए, आप लेटेस्ट कमेंट कर रही हैं, वीडियो ऑडियो आ रहा है? जी हाय हाय मंजीत सराव जी, ओके ऑल क्लियर है ना? सब सही है, सब सही है, हमारी क्लास में सब सही होगा और हमें जो ज्वाइन करेगा उसका एग्जाम पक्का क्लियर होगा, ठीक है जी। एक सेकेंड मैं इधर भी ऑडियो ऑफ कर दूं। कैसे ज्वाइन करना है? कुछ बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं। बच्चों टेलीग्राम पर प्लीज मैसेज करिए, टेलीग्राम पर मैसेज करिए कि यूट्यूब पर क्लास लाइव शुरू हो गई है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि हम ऐप पर क्लास लगा रहे हैं, बट उन्हें बोलिए कि यूट्यूब पर क्लास चल रही है। थैंक यू संदीप जी, आपकी कल पहली क्लास थी जी। एक बार प्लीज टेलीग्राम पर एक स्टूडेंट है वो मैसेज कर रही है, उनका प्लीज हेल्प कर दीजिए। जी थैंक यू हरमन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग हर जी। धर्मपाल जी एक बार फिर भी मैं रिकॉर्डिंग फिर से चेक कर लेती हूँ जी, पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है बच्चे, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अगेन जी। हाँ कल की क्लास में रिकॉर्डिंग होना रह गया था, कोई बात नहीं, हम अनीता देसाई रिपीट करेंगे। अनीता देसाई आप सब यूट्यूब वालों के लिए ओपन में रखेंगे, ठीक है जी। चलिए बच्चे 4:07 हो गए हैं, ठीक है, बहुत इंतजार कर लिया, आज के दिन का क्लास स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है बच्चे। ये इंग्लिश लिटरेचर में ही हमारा पार्ट है इंडियन लिटरेचर राइटर्स का, उसके 150 MCQs बनाए हैं। जो मॉक टेस्ट है वो आज का पहला मॉक टेस्ट है, बट आपके बाद में भी 5 मॉक टेस्ट होंगे जो प्रॉपर पूरे सिलेबस के होंगे, ठीक है। ये लाइक ऐसा नहीं है कि आपके टोटल 5 हैं, ये वाले राइट हर एज का अलग मॉक टेस्ट है और प्रॉपर फुल सिलेबस के अलग 5 मॉक टेस्ट होंगे। जब एग्जाम आने वाला होगा वो तब हम उस वीक में चलाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, EMRS, TGT, PGT, UP TGT, PGT और नेट की जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके सबके लिए ये हेल्पफुल है ये क्लासेस, ठीक है। नहीं नवदीप जी, मैं सावल क्लासेस पर नहीं पढ़ाती, ये मेरा अपना चैनल है, मैं वहाँ पर नहीं पढ़ाती, यहीं पर पढ़ाती हूँ मैं। अगर आपको ज्वाइन करना है आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ नहीं पढ़ाती हूँ, यहाँ पर हम प्रॉपर डिटेल में हर एक चीज़ करते हैं और डिटेल में ही एक एक चीज़ लाइक टर्म्स, लिंग्विस्टिक्स, हर चीज़ डिटेल में करवाई जाती है। पीडीएफ्स दी जाती हैं, समरीज, बायोग्राफीज, हर एक चीज़ करवाई जाती है हमारी क्लास में। चलिए बच्चे, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं क्लास में, मैं अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मेरा नाम शीनम रहेजा है। आई हैव डन BA इंग्लिश ऑनर्स एंड MA इंग्लिश फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, BEd, UGC नेट विद JRF क्वालिफाइड। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से मेरा TGT क्लियर है एंड बच्चे रिसेंटली मेरे KVS के एग्जाम भी क्लियर हुए हैं और उसका रिजल्ट बाद में आया था तो मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर। हरियाणा और पंजाब का असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्लियर है मेरा, जिसमें मेरी 12th रैंक आई थी गवर्नमेंट जॉब में, जिसकी अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। आप अगर न्यू है क्लास में तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और वीडियो को अभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक करो ताकि अगर हमारी स्ट्रेंथ ऐसे ही बनी रहेगी तो हम यूट्यूब पर भी रोज़ लाइव क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर भी 1000 MCQs की सीरीज चल रही है, हम उस सीरीज को लाइव क्लास में लेके आना स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग ऐसे ही स्ट्रेंथ बनाते रहोगे। यस मीनू सैनी जी, 1 अगस्त से हम अगस्तन एज शुरू कर देंगे, ठीक है। ओ सॉरी, 1 अगस्त से हम अलिजाबेथन एज से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर हिस्ट्री करवाई जाएगी, प्रॉपर उसमें एक्स्ट्रा राइटर्स करवाए जाएंगे जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आते हैं और आप लोगों के सिलेबस में मेंशन नहीं किए जाते। इसी कारण बच्चे हैं जो हमेशा 10-12 नंबर से रह जाते हैं हर बार, जितनी बार वो अटैम्प्ट देते हैं, क्योंकि वो बच्चे हिस्ट्री नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को जरूर अभी के अभी लाइक कर दो, फिर आप टेस्ट में मगन हो जाओगे तो मिस हो जाता है, ठीक है। मैं 1 मिनट वीडियो क्वालिटी चेक कर लूँ राजे, कहीं कुछ नेटवर्क बच्चे आपको बफरिंग तो नहीं हो रहा है क्लास में? बफरिंग तो नहीं हो रही है क्लास? नहीं हो रहा ना, यहाँ मुझे थोड़ा सा पुअर सिग्नल लिखा आ रहा था, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। चलिए बच्चे, ये हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर चैनल है, ये दोनों ओपन चैनल है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। चलिए 4:11 हो चुके हैं और आपका क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, व्हेन डिड R.K. नारायण रिसीव पद्म भूषण ड्यूरिंग रिपब्लिक डे ऑनर्स? पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था R.K. नारायण को? 61, 62, 63, 64। वेरी गुड। कब मिला था बच्चे? 1964 में। कब मिला था? 1964 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था और इन्हीं को ही विभूषण अवार्ड भी मिला था बच्चे, विभूषण अवार्ड मिला था। वो भी मुझे बताइए, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मॉक टेस्ट में नहीं है बट मैं साथ साथ फिर भी करवाऊंगी, हमारी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए जी। इनको विभूषण अवार्ड भी मिला था, वो कब मिला था? वेरी गुड, 2000 में मिला था और 2001 में इनकी डेथ हो गई थी, तो बिफोर 1 ईयर डेथ इनको विभूषण अवार्ड भी मिला था। चलिए बच्चे, सेकंड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ R.K. नारायण? पहला नॉवल कौन सा था? पेपर में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा, नहीं तो आप गैस भी नहीं कर पाएंगे जी। स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका पहला वर्क था। राजे, इसकी डेट भी बताइए, कब आया था ये वर्क जी, इसकी डेट भी मेंशन करिए, कब आया था? 1935 में जी। वेरी गुड, 1935 में। यस, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये पोम किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राव, मुल्क राज आनंद या अनीता देसाई? बच्चे अगर बीच में बफरिंग वगैरह होने लगे तो प्लीज बता देना मुझे। यस, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर किसकी पोम थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। यस, हमने इसकी 2 पोइम्स की थी टैगोर की, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड एकला चलो रे, ठीक है। दोनों ही बंगाली में लिखी गई थी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इनका दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ऑथर्ड बाय खुशवंत सिंह, कौन सा वर्क खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया, और वो जो नहीं लिखा गया तो वो किसने लिखा था, तो वो किसने लिखा था जो एक एक्सेप्शनल वर्क दिया गया है यहाँ पर। ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नॉवल, आई शैल नेवर हियर अ नाइटिंगेल और द शैडो लाइंस। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या आंसर है? द शैडो लाइंस। ये आपके सिलेबस में राइटर भी हैं अमिताभ घोष, ये उनका वर्क था, अमिताभ घोष, शैडो लाइंस। बच्चे, शैडो लाइंस की डेट क्या थी? डेट क्या थी? शैडो लाइंस कब आया था? कब आया था शैडो लाइंस? वेरी गुड रिंकी गोयल, बिल्कुल ठीक हैं आप। यस, सोनिया, ममता, स्तुति, जैफी, त्रिशा। त्रिशा हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट हैं, वेलकम त्रिशा। हाय अर्शदीप शर्मा जी। बच्चे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो हमारी क्लास की क्वालिटी देख सकते हैं, प्लस हमारे ही चैनल के ऊपर लाइव सेक्शन और वीडियो सेक्शन के ऊपर प्रॉपर समरीज, प्रॉपर थ्योरीज करवाई गई हैं, बायोग्राफीज करवाई गई हैं और टर्म्स की भी बच्चे डेमो क्लासेस रखी गई हैं, ठीक है। तो आप हमारी क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, टीचिंग क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हु सेड कूली इज अ कैरेक्टर नॉवल, किसने बच्चे ये लाइन कही थी? कूली इज अ कैरेक्टर नॉवल। ईएम फोस्टर, एडवर्ड मुइर, ग्राहम ग्रीन और निसिम एजिकिल। वेरी गुड रिंकी, यस मंजीत जी, जेफी, यस मुस्कान, ममता, नितिका, प्रभमान, वेरी गुड। सबका ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है सबकी, थैंक गॉड। आप लोगों को अब चीजें टिप्स पर याद होने लगी हैं। यही बच्चे हैं जब इनका पहला डे था मेरे साथ, जब मैं किसी एकेडमी के साथ भी लिंक थी या फिर जब मैंने खुद से भी स्टार्ट किया, जब इनका पहला दिन था तो इन बच्चों को डेट्स नहीं याद होती थी, इन्हीं बच्चों को कोट्स नहीं याद होते थे, है ना, इन्हीं बच्चों को कोट्स नहीं याद होते थे, और आज इनको हर एक चीज टिप्स पर याद हो गई है, है ना। हु इज नोन एज वन ऑफ इंडियाज फेमिनिस्ट ल्यूमिनरीज, फेमिनिस्ट ल्यूमिनरीज इनमें से किसको कहा गया है? सरोजिनी नायडू, शशि देश पांडे, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय। किनको कहा गया है फेमिनिस्ट ल्यूमिनरीज? बच्चे, यस, सरोजिनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। नो सिद्धू मोनिका जी, बच्चे सरोजिनी नायडू आंसर आएगा। देखिए, सरोजिनी नायडू के लिए ही हम विमेन्स डे मनाते हैं जो 13 फरवरी को मनाया जाता है ना। इंडिया का विमेन्स डे जो नेशनल विमेन्स डे है वो सरोजिनी नायडू के लिए मनाया जाता है, और विमेन फीमेल से कनेक्ट करके आप फेमिनिस्ट डे, फेमिनिस्ट ल्यूमिनरीज याद रख सकते हैं। कनेक्ट किया करो चीजों को, रिलेट किया करो। यस, इट इज अ स्टोरी अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ फ्रेटर्नल ट्विंस। यहीं से ही आपने ढूंढ लेना है, आगे आपको पता ही नहीं लगना चाहिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। फ्रेटर्नल ट्विंस कहां पर आए थे? यस जस्ट सिमरत जी, वेरी गुड। यस दीक्षा, प्रीत, ममता बंसल, मीनू, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। यस धर्मपाल जी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसमें दो ट्विंस, ये ट्विंस थे फ्रेटर्नल ट्विंस, एस्था एंड राहेल, एस्था एंड राहेल। बच्चे, इसमें से बताओ एस्था लड़का था या राहेल लड़का था? इसमें से बॉय कौन था ट्विंस में, बताइए? एस्था या राहेल, दोनों में से बॉय और गर्ल कौन कौन थे? यस, वेरी गुड। जो एस्था है वो बॉय है, इसका पूरा नाम था एस्थापन, और राहिल है वो गर्ल है जो 18 मिनट्स छोटी है, ठीक है, 18 मिनट्स छोटी है वो राहिल, एस्था से। जो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस नहीं डाल पाए, क्वेश्चन बहुत लिमिटेड थे, 150 डालने थे क्योंकि आपको एग्जाम वाली फील देनी थी, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं डाल पाई, वो हम ऐसे ओरली याद कर लेंगे। यस, वो दोनों 7 ईयर्स के थे, वेरी गुड मुस्कान जी, वो दोनों 7 ईयर्स के थे। बच्चे, जल्दी से जल्दी हमारी ये वीडियो शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। जल्दी से जल्दी क्लास शेयर कीजिए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सरोजिनी नायडू? बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करना, एक ही ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन सही है इन चार ऑप्शंस में से क्या है सही आंसर। ये क्लास में जिन स्टूडेंट्स का गलत हुआ था वो प्लीज अब गलत नहीं करेंगे। ये आपका फाइनल पेपर जैसा पेपर हो रहा है, फाइनल पेपर की तरह हम बैठे हैं यहाँ पर, अब कोई गलती नहीं। यस यस, डांट पड़ी सी रवीना जी, वेरी गुड, इसके लिए आपको डांट पड़ी थी, ये आपने गलत किया था क्लास में। यस, बच्चे डांट भी खूब लगती है और ये चीज भी मैंने कही थी कि आज की क्लास में जो स्टूडेंट नहीं आया, जिसने आज की क्लास मिस करी, उसके मेरे आने वाले 4 दिन कट कर देने हैं, उनको 4 दिन के लिए मैंने ब्लॉक कर देना है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत मेहनत लगी है, आज की क्लास में बहुत लाइक ये कह लो इसकी इंतजार भी बहुत था कि कब इंडियन लिटरेचर खत्म होगा, कब हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तो उन बच्चों को 4 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। उनका जो एलिजाबेथन एज है और जो क्रिस्टोफर मार्लो है, ये 2 टॉपिक्स उनके छूट जाएंगे जो आज की क्लास में नहीं आए हैं, ठीक है। हु टेक्स मुन्नो टू शिमला? वेरी गुड, मिसेस मेन वॉरिंग है, वो मुन्नो को शिमला लेके गई थी। बच्चे मेन वॉरिंग का प्रॉपर नेम क्या था? ये तो उनका सरनेम है ना मेन वॉरिंग, इनका अपना नाम क्या था? नाम विच मेन वॉरिंग था, वो क्या नाम था बताइए। यस प्लीज क्लास लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, काम बनाने में, लाइक जरूर करके जाइएगा क्लास। मिसेस मेन वॉरिंग का राज्य नाम क्या था बताइए। वेरी गुड जेफी, जेफी की तैयारी अच्छी चल रही है। यस यस, ये एंग्लो इंडियन थी। यस, इनका बच्चे नाम था मे, मे नाम था इनका, 3 बार इनकी शादी हुई थी, मे नाम था इनका, ठीक है। चलिए, डैश बाय सरोजिनी नायडू वाज डेडिकेटेड टू M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनको सरोजिनी नायडू का कौन सा वर्क डेडिकेट किया गया था? अवेक, द सॉन्ग ऑफ पेलिंक्विल बेयरर्स, द फेदर ऑफ डान, द गिफ्ट ऑफ इंडिया। यस वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पूरा पूरा नाम आंसर करते हो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे आपको ही चीजें याद रहेंगी। ये आप स्टूडेंट्स ही हो जो एग्जाम क्लियर करोगे और मेरा नाम ऊंचा करोगे। यस यस, ठीक है, बिल्कुल अब एक आंसर आएगा। व्हेन वाज अमिताव घोष वाज बोर्न? व्हेन अमिताव घोष वाज बोर्न, कब जन्म हुआ था? 11-11 सब में है डेट, यहाँ पर नो दी हुई है, बाकी जुलाई, जून, जनवरी, जुलाई 1956, 53, 59, 60 जी बताइए। हरमन जी कह रही हैं कि मैम चाहे आप विदाउट ऑप्शंस टेस्ट डाल देते हम तब भी कर पाते। मेरा भी बहुत मन था कि आप लोगों को ऑप्शंस ना दी जाएं, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लास में आज पहली बार आए हैं, उनके लिए ऑप्शंस डालना जरूरी था। यस, 11 जुलाई 1956, यस ये सही आंसर है, बिल्कुल अमिताभ घोष जी का यहाँ पर 56 में जन्म हुआ था। लाइफ इज अ प्रिजन ऑफ माई लाइट एंड डेथ ऑफ द शेडो ऑफ माई फेस, बच्चे लाइन किसने कही थी? सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त, अनीता देसाई या अरुंधति रॉय? ये लाइन किसने कही थी? लाइफ इज अ प्रिज्म ऑफ माई लाइट। अच्छा, आपको अगर आंसर पता है, यस सबको पता है सरोजिनी नायडू आंसर है, तो किस बुक में, किस पोएम में इन्होंने ये लाइन बोली है? पोएम कौन सी थी उनकी बताइए। यस, सरोजिनी नायडू इज द करेक्ट आंसर, बट पोएम का नाम भी बता दीजिए, किसमें कही थी इन्होंने ये लाइन। यस हरमन, वेरी गुड, बट और ट्राई करिए, और ट्राई करिए। यस, द सोल्स प्रेयर, यस द सोल्स प्लेयर था, प्लेयर प्रेयर था बच्चे, प्रेयर, यस प्रेयर था, मुझे भी गलत करवा रहे हो, प्रेयर था। यस, सोल्स प्रेयर। चलिए, हु सेड अवॉइडिंग रिटोरिक एंड द सर्कमलोक्यूशन इट हैज गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड प्योरिफाइड इट। ये लाइन तो मुझे ऐसी रट गई है कि मुझे सेंटेंस देखना भी नहीं पड़ता। यस, ये किसने कही थी, किसके बारे में कही थी? किसने कही थी, किसके बारे में कही थी ये भी बताना है, और जिसके बारे में कही थी उसका राइटर कौन है। तीन चीजें बतानी है आपको आज की क्लास में। बताइए बताइए। वेरी गुड नवजोत, मनिंदर, लवप्रीत जी जी बताइए। यस, ईएम फोस्टर ने कही थी मुल्क राज आनंद के बारे में। कौन से नॉवल के लिए, कौन से नॉवल के लिए कही थी बच्चे? यस, अनटचेबल के लिए। ईएम फोस्टर ने अनटचेबल के लिए कही थी। मुल्क राज आनंद का वर्क था, 1935 में आया था। कितना इजी है। आरके नारायण का भी पहला वर्क 1935 में आया था, स्वामी एंड फ्रेंड्स। यस, चलिए। इन विच ईयर अमिताभ घोष ऑनर्ड पद्मश्री। अमिताभ घोष को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, कौन से साल मिला था, कौन से साल मिला था? 3, 5, 7, 9 कब मिला था जी? थैंक यू स्तुति। स्तुति का कहना है कि मैम आज के क्लास में आपकी आवाज सुनाई दे रही है कि कैसे आप पढ़ाते थे क्लास में। यस यस, 2007 में इनको पद्मश्री मिला था अपने अमिताभ घोष को, ठीक है। इसी 2007 में ही कुछ और भी राइटर्स को कुछ और भी मिला हुआ है। क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? 2007 में ही किसी और राइटर को कुछ और भी मिला था। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो बताइए, नहीं तो आगे क्वेश्चन तो आएगा ही। 2007 में ही किसी को पद्म भूषण या किसी को विभूषण या किसी को अकेडमी अवार्ड कुछ ना कुछ मिला हुआ है। रिलेट करके बताइए। यस, दीक्षा का ठीक है, रिंकी गोयल का ठीक है। पद्म विभूषण मिला था राजा राव को। यस, खुशवंत सिंह को पद्म विभूषण मिला था। यस जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द गोल्डन थ्रेश होल्ड इज डेडिकेटेड टू। बच्चे ये था गोल्डन थ्रेश होल्ड किसका था? नायडू का, सरोजिनी नायडू का था। ये उन्होंने किसको डेडिकेट किया था, ये किसको डेडिकेट किया था उन्होंने? आर्थर साइमंस, गोविंद राजू जो उनके पति हैं, एडवन गोस या जॉन बटलर यीट्स जिन्होंने उनका स्केच बनाया था गोल्डन थ्रेशोल्ड में। यस, किसने करा था डेडिकेट? किसको? एडमंड गोस को। इन्होंने ही इनको पब्लिशिंग के लिए इन्फ्लुएंस किया था कि सरोजनी तुम ये वर्क लिखो और इसको पब्लिश भी करो, तुम काफी सक्सेसफुल हो जाओगी। तो ये नायडू का फर्स्ट पोम ऑफ कलेक्शन ऑफ पोम था इनका, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि 1905 में आया था, ठीक है। चीजें याद हो रही हैं साथ साथ। वेरी गुड जस, बिल्कुल ठीक है आप। जस जी कह रहे हैं कि आर्थर साइमंस ने तो इंट्रो दी थी। यस, वेरी गुड, इन्होंने तो इंट्रो दिया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड का। बार बार मैं बता रही हूँ, ये 1905 में आया था, ये नायडू का वर्क है, इसका जो डेडिकेशन है वो एडमंड गोस को किया था, ठीक है। चीजें याद हुई। यस, मनिंदर कौर जी और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसमें 40 लिरिक्स हैं, यानी कि इसमें 40 पोइम्स हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है अपने पास। ये बच्चे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया। राजे, आज 30 जुलाई हो चुका है, 31 का लास्ट डेट है। सेकेंड बैच के 15% ऑफ जो हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, ये डिस्काउंट जुलाई में खत्म हो जाएगा 31 को, ठीक है। रात के 11:59 पर ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अगर आप उससे पहले पहले हमारा बैच परचेज कर लेते हैं तो आपको ये बैच 5525 रुपीज में पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो 6500 ही रहेगा प्राइस, ओके। सॉरी बच्चे, ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर करिए। देसाई डील्स विद द ट्रेवल ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड इन द नॉवल। इमिग्रेशंस, इमिग्रेंट्स, इनके बारे में किसके नॉवल, कौन से नॉवल में बात है? जो लोग लंदन चले जाते थे, इंग्लैंड चले जाते थे। Cry the Peacock, Voices in the City, Bye-bye Blackbird, The Peacock Garden. Very good गुरदीप, धर्मपाल जी, मनिंदर, मनताज, ओके। ये बी अफर्मेटिव आइडियाज कौन है? ये कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में जी। यस लवप्रीत, नितिका, शाइना बत्रा, यस बाय बाय ब्लैकबर्ड। ठीक है, इसमें जो इंग्लैंड वाले हैं वो इंडियंस को बाय बाय बोल रहे हैं कि आप अपनी कंट्री में जाइए क्योंकि आप हमारे लिए हमेशा स्ट्रेंजर्स रहेंगे, हम कभी भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, आपको कभी भी इंग्लैंड की भूमि को अपनी मदरहुड मदर लैंड नहीं कहने देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंजर्स ही रहेंगे आप, एलियनेटेड ही रहेंगे इंग्लैंड की ज़मीन के ऊपर। तो वो लोग भी एलियनेटेड फील करते थे और इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का अनीता देसाई मिस हो गया था कल की क्लास में और हमारी रिकॉर्डिंग भी चालू नहीं हो पाई थी। डोंट वरी, हम अनीता देसाई को हम मंडे को यानी कि कल की क्लास में, कल मंडे है, कल मंडे की क्लास में हम यूट्यूब के ऊपर ही इसको एज अ डेमो क्लास देंगे। आप लोग उसमें कनेक्ट होके हमारी क्लास एंजॉय कर सकते हो। प्लस क्वालिटी और क्वांटिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटी मीन्स हम सिर्फ 2-3 वर्क्स करवा के अगले राइटर पे नहीं जाते, हम प्रॉपर उसके सारे वर्क्स करते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट है चाहे वो लेस इम्पोर्टेंट है। अगर वो बिल्कुल ही लेस इम्पोर्टेंट है मतलब लीस्ट इम्पोर्टेंट भी है तो हम उसकी फिर भी 1 ना 2 बेसिक लाइन्स तो ज़रूर पढ़ते हैं ताकि पेपर में हमें एटलीस्ट नाम तो याद रहे कि वो वर्क अनीता देसाई का था। ठीक है, चलिए बच्चे, साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन टू A.K. रामानुजन फॉर व्हाट, किसके लिए? देखो अवार्ड तो मिला है जी, ये तो श्योर हो गए हैं मिला है, पर किसके लिए मिला था? द कलेक्टेड पोएम्स, अ फ्लावरिंग ट्री, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया और इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। ओके नवनीत जी, आप कल की क्लास में आना। ठीक है, तो आपको अनीता देसाई टिप्स पे याद हो जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को अनीता देसाई नहीं आता वो एक बार कल की क्लास में जरूर आए। यस त्रिशा, यस रिंकी, रवीना, वेरी गुड रिजवाना जी, सबका ऑलमोस्ट ठीक है, सबका ही ठीक है। कलेक्टेड पॉइंट्स के लिए मिला था और जो स्टूडेंट्स 1999 आंसर भी दे रहे हैं, क्लैप फॉर यू, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मुझे अच्छा लगता है जब आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी अपनी शेयर करते हो। कितने बजे बच्चे? हम कल 4 बजे क्लास ले लेंगे। ठीक है, 4 बजे की क्लास हम ले लेंगे यूट्यूब के ऊपर लाइव, और उसके बाद जो हमने 1 अगस्त से हमने जो एलिजाबेथन ए स्टार्ट करनी है उसकी क्लास हम 6 PM चलाएंगे अपने ऐप के ऊपर। तो आप लोग प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पर ये येलो मार्क जो बना हुआ है ये ऐप का लोगो है और आप प्ले स्टोर से ऐप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। खुशवंत सिंह वॉज अ डैश, खुशवंत सिंह का क्या प्रोफेशन था राजे? पहले वो क्या थे, क्या काम करते थे? एक जर्नलिस्ट बनने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में तो वो एक लॉयर थे। ठीक है, यस। अब देखिए मनिंदर कौर जी हमारे साथ कब से कनेक्टेड हैं, मनिंदर जी को पता है कि वो 8 साल के लिए बने थे लॉयर। यस, जिनको थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है वो जरूर बताते हैं। यस धर्मपाल जी, यस 8 years के लिए बने थे, वेरी गुड। यस, चलिए, व्हेन साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज गिवन टू मुल्क राज आनंद, पहले तो बताइए किसके लिए मिला था, फॉर व्हाट, किसके लिए मिला था इनको अवार्ड, फिर देन बताना है कि कब मिला था। यस बताइए, यस यस, वेरी गुड रिंकी, वेरी गुड जेफी, हरप्रीत, जस्ट, रुपिंदर कौर, सोनिया, नेहा, धर्मपाल जी, यस अर्शदीप, स्तुति जी, सबका ठीक है, सबका ही ठीक है। 1971 में मिला था बच्चे, इनको मॉर्निंग फेस के लिए मिला था अवार्ड, और ये मॉर्निंग फेस अपने आप में 1968 में आया था। ठीक है, 68 में आया था बट 3 साल बाद 71 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ओके, चलिए, A.K. रामानुजन वॉज बोर्न इन, यहाँ पर बेटा डेट पूछी गई है, अब शहर की, सॉरी शहर पूछा गया है, अब डेट नहीं पूछी गई इनके ऊपर। मैसूर, शिकागो, पुणे और हैदराबाद, कहां पर A.K. रामानुजन का जन्म हुआ था। वेरी गुड शीनम, दीक्षा, जीनिया, जो बैच स्टूडेंट्स हैं उनकी तो स्पीड ही अलग है आंसर करने की। यस यस मोनिका जी, यस मीनू सैनी, यस ममताज जी, यस बिल्कुल ठीक है बच्चे। मैसूर में इनका जन्म हुआ था। क्या मैं पूछ सकती हूँ इनकी डेथ प्लेस आपको पता है या नहीं? डेथ प्लेस भी बता दीजिए इन्हीं ऑप्शंस को देख के, इन्हीं ऑप्शंस को देख के डेथ प्लेस भी बताइएगा। वेरी गुड प्रीत कंवल, वेरी गुड जी। अच्छा मनताज जी को तो डेट तक याद है, क्लैप फॉर यू। यस शिकागो, यस इनकी जब डेथ हुई थी वो शिकागो में हुई थी। एक सर्जरी के दौरान कुछ मिसहैपनिंग हो गया था, एनेस्थीसिया गलत नर्व में डाल दिया गया था तो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है चलिए, ओ एक मिनट ये थोड़ा मैं ठीक कर देती हूँ, रुकिए रुकिए। हाँ जी अब बताइए। देसाई कंसीडर्स, यहाँ पर अनीता देसाई की बात है, दिस हर मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क सेइंग द वर्क इन विच आई हैव कम क्लोजेस्ट, मतलब उनके हार्ट के सबसे पास जो उनका वर्क था, सबसे क्लोज वर्क उन्हें लगता था। टू व्हाट आई सेट टू डू एंड आई डोंट थिंक आई एवर ऑफन डू, आई वेरी ऑफन डू। बताइए ये लाइंस उन्होंने अनीता देसाई ने किस नॉवल के लिए कही थी? वो उनके दिल के सबसे करीब था वो नॉवल जी। वेरी गुड स्तुति। देखिए बच्चे ये चीज़ मुझे बहुत ही प्राउडली कहनी चाहिए, जो हमारे बैच की स्टूडेंट हैं स्तुति वो इंग्लिश बैकग्राउंड की नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स भी होंगे जो इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हैं, बट फिर भी स्तुति के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस विद उनकी डेट्स ठीक है, विद उनकी डेट्स ठीक है। बच्चे यही क्वालिटी है हमारी क्लास की कि हम बच्चों को इस तरीके से टिप्स पर काम याद करवा देते हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, चाहे वो एमसीए करके आया है, बीसीए, बीकॉम कुछ भी करके आया है। हमारी क्लास में आने के बाद उसको कभी भी बाय बाय ब्लैकबर्ड हम नहीं बोलेंगे, है ना। उनको हम एलियनेटेड नहीं फील करवाएंगे, उनको फील एट होम होगा, उन्हें भी लगेगा कि हम यहीं से बिलोंग करते हैं, हम इंग्लिश लिटरेचर के ही हैं जी। फायर ऑन द माउंटेन 1977 में आया था, वो उनका दिल के सबसे पास था अनीता देसाई के। इसी वर्क के लिए ही उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इसी वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था अनीता देसाई को। नेम द कलेक्शन ऑफ पोम्स ऑफ सरोजनी नायडू, इसमें से किसकी कौन सा वर्क सरोजनी नायडू का है और जौन सा नहीं है उसका राइटर भी आप बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वो राइटर्स हैं जी। धर्मपाल जी जेलस नहीं करना, एनवियस फील करना है। ठीक है, एनवियस फील करना है और उनके जैसे ही फुल मार्क्स भी लेने हैं आपको। यस, गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो कि 1905 में सरोजिनी नायडू की फर्स्ट बुक ऑफ कलेक्शन पोइम्स की जो आई थी, गोल्डन थ्रेशहोल्ड था। बाकी तीन वर्क्स किसके हैं एक बार बताएंगे आप? बाकी तीन वर्क्स भी बताएंगे प्लीज। ओजीमेंडियस, द रोड नॉट टेकन और ज़ैबरवॉक की पोइम कहाँ पर थी? कहाँ पर ज़ैबरवॉक की पोइम आई थी और बाकी की दो पोइम्स किसकी हैं? चलिए हम आंसर डिस्कस करते हैं। ओजीमेंडियस थी पीबी शैली की, जब वो ब्लाइंड हो गए थे तब उन्होंने ये वर्क लिखा था, अपनी पोइम दी थी। रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये पोइम। और बच्चे ज़ैबरवॉक की जो है, आपको मैंने पोर्टमैंट्यू करवाया था। पोर्टमैंट्यू एक वर्ड होता है जिसमें लाइक जो ब्रंच है वो लंच और ब्रेकफास्ट से मिलके बना है, मोटेल है वो होटल और उससे मिला है, दो वर्ड से ये भी मिला है। ठीक है, और जो ज़ैबरवॉकी है ये किस में आया था? एलिस इन वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड। ये किसका था एलिस इन वंडरलैंड? बताइए किसका था एलिस इन वंडरलैंड? मोटर और होटल, यस थैंक यू, मोटर और होटल के लिए। एलिस इन वंडरलैंड किसका था? जिन्होंने पोर्टमैंट्यू वर्ड दिया था। वेरी गुड हरमन को एक वर्ड याद है, यस यस यस। क्या था आंसर? लुइस कैरल। बच्चे एक चीज मैं आपको और दूंगी काम करने को, जो लुइस कैरल है ना, ये बच्चे इनका एक सुडोनियम था। इनका नेम क्या था? आपको प्लीज ये सर्च करना है, ठीक है, आपको ये सर्च करना है लुइस कैरल का नेम क्या था। सेकंड साइट इज अपीयर्ड इन, 23rd नंबर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन के ऊपर। सेकंड साइट इज अपीयर्ड इन, ये सेकंड साइट किसका था? ए.के. रामानुजन का। ये किसका कब आया था? ये कब आया था? 99, 97, 95, 86 बताइए। जी बच्चे थ्रू द लुकिंग ग्लास और एलिस इन वंडरलैंड दोनों में ही ज़ैबरवर्ग की पोइम आई हुई है। यस, दोनों में ही है वो पोइम, क्योंकि वो दूसरे का सीक्वल ही है, नेक्स्ट वर्क भी, ठीक है। यस, 1986 है जो इसकी पब्लिशिंग डेट है। रविंदर जी कह रही हैं कि थ्रू द लुकिंग ग्लास में आया था, दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं क्योंकि वो उसका उसी का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए, मुन्नो डाइड ऑफ, मुन्नू किस में आया था और मुन्नू की डेथ कब हुई थी, और ये जिस वर्क में आया था वो वर्क किसका लिखा हुआ है, और वो वर्क की पब्लिशिंग डेट, डेट बताओ, वर्क का नाम बताओ, राइटर का नाम बताओ, और ये तीनों चीजें बतानी, तीनों चीजें, और ये तो बताना ही है कि कैसे मरा था। सारी चीजें बताओ, तीनों की तीनों, तीनों की तीनों चीजें बताओ। सोनिया शर्मा जी आपकी डेट गलत है, डेट गलत है, एक बार आप देखिए। अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे नीचे वाला रीड हो गया था। यस ठीक है, यस, मुन्नू की डेथ कैसे हुई थी, टीबी से हुई थी। सोनिया शर्मा ठीक है आप, टीबी से डेथ हुई थी बच्चे। 1936 में वर्क आया था, 35 में अनटचेबल आया, जो अनटचेबल उनको इतना फेमस हो गया कि अगले साल मुल्क राज आनंद ने कूली वर्क निकाला, तो ये वर्क है कूली, कूली के क्या स्पेलिंग थे, COOLIE, कूली वर्क था, जिसको कैरेक्टर नॉवल किसने बोला है, कैरेक्टर नॉवल किसने बोला है, जिसको एडवर्ड मुइर ने, ठीक है, एडवर्ड मुइर ने बोला है। ये 1936 में आया था और ये मुल्क राज आनंद का वर्क है, ठीक है। 4-5 पॉइंट्स याद हो गए एक ही चीज के। चलिए, व्हाट वाज द वाइफ नेम ऑफ ए.के. रामानुजन, ए.के. रामानुजन की पत्नी का क्या नाम था, जानकी, मोली डैनियल्स, एलिजाबेथ कैनेथ, सुजैन वॉट, बताइए। यस रवीना जी बिल्कुल ठीक है आप जी। संदीप सुथार, संदीप सुथार जी हमारे क्लास के न्यू स्टूडेंट हैं। चलिए, यस बिल्कुल ठीक है बच्चे, मोली डैनियल्स उनकी वाइफ थी, वो एक नॉवेलिस्ट थी, ठीक है। और ए.के. रामानुजन ब्राह्मण थे, उनकी ये वाइफ क्रिश्चियन धर्म की थी, ठीक है, क्रिश्चियन थी। इनकी मैरिज होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बट फिर भी सक्सेसफुली इनकी मैरिज हो गई। वेरी गुड, ये किसने बताया है, हरमन ने, वेरी गुड। ये मुझे पूछना ही था कि ये दो वाइफ्स हैं, ये किसकी हैं, ये किसकी हैं, ये दोनों वाइफ्स, ये वो सुजैन वॉट थी राजा राव की, तो एलिजाबेथ कैनेथ किसकी वाइफ थी, ये बताइए मुझे, एलिजाबेथ कैनेथ किसकी वाइफ थी। ये आप सर्च करते रहना, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, द नेम्स ऑफ ट्विंस इन रॉयज नॉवल, अरुंधति रॉय के नॉवेल्स में जो ट्विंस थे उनका क्या नाम था, एस्था राहेल, एथल रेचल, ईस्टर रीता और एरिक रिचा। बच्चे इतने स्टूडेंट्स हो क्लास में, और एक बार लाइक्स देख लो कितने कर रहे हो। इतना भी मत खो जाओ कि हमारे चैनल को ही छोड़ दो, प्रमोशन ना हो चैनल की। एक एक बार नीचे ही बटन दिया हुआ है, एक बार थम्स अप कर दो, लाइक कर दो एक बार। यस, एस्था एंड राहिल 7 इयर्स के थे, राहिल 18 मिनट्स छोटी थी। एस्था का पूरा नाम एस्थेपन था, ठीक है, और इनकी मम्मी का नाम क्या था, अमू इपे, और इनकी बुआ का नाम था बेबी कोचम्मा। चीजें याद करवा रही हूं मैं, याद करवा रही हूं, याद कर लो जी। चलिए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ए.के. रामानुजन, पेपर में बच्चे पूरा नाम किसी ना किसी एक राइटर का जरूर मिलेगा, ठीक है, किसी ना एक राइटर का जरूर मिलेगा। मैम डेली लाइव क्लास कब होती है, निशा जी डेली लाइव क्लास हमारी 6 बजे चलेगी अगस्त से, 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त से हम ब्रिटिश लिटरेचर स्टार्ट करने लगे हैं, 6 बजे यूट्यूब पर, ओ आई एम सो सॉरी, 6 बजे हमारी जो बैच का एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट, उसके ऊपर 6 बजे लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। और जो हमारी कल की क्लास रहने वाली है अनीता देसाई की बायोग्राफी की, वो यूट्यूब के ऊपर शाम को 4 बजे चलेगी, तो मैं उसका थंबनेल डाल के टाइमिंग डाल दूंगी, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कनेक्ट करना। चलिए, इनका नाम था अतिपते कृष्ण स्वामी रामानुजन, ओके, अतिपते कृष्ण स्वामी रामानुजन पूरा नाम। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं वो बहुत मतलब लाइक रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, रिगार्ड बहुत करते हैं और एक एक बात को फॉलो भी करते हैं। उनको मैंने पहले ही दिन बोला था कि मुझे पूरी स्टेटमेंट में आंसर चाहिए, ABCD नहीं चाहिए, और वो बच्चे पूरा ही आंसर करते हैं। यस, राजम के फादर कौन थे? जो राजम है वो एक रिच लड़का है जो स्वामी के स्कूल में एडमिशन लेता है। ठीक है, स्वामी के स्कूल में एडमिशन लेता है राजम, जिसके कारण स्वामी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है अपनी क्लास में, उसकी पॉपुलैरिटी घट जाती है। यस, पुलिस सुपरिटेंडेंट थे इसके फादर, और कभी पेपर में DSP भी लिखा आ सकता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, DSP भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। राजम के जो फादर थे। बच्चे, स्वामी के फादर कौन थे एक बार बता दो मेरे को, स्वामी के फादर कौन थे? स्वामी अपने फादर का डेस्क यूज करता है, उनका रूम यूज करता है जब राजम अपने घर, उसके घर आता है राजम स्वामी के। ये मैंने आपको पूरी स्टोरी में बताया हुआ है, आप लोगों को पूरी स्टोरी समझाई थी, स्वामी एंड फ्रेंड्स की क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। स्वामी के फादर कौन थे? वेरी गुड, कौन थे स्वामी के फादर? लॉयर थे। ठीक है, और राजम के फादर कौन थे? सुपरिटेंडेंट थे, पुलिस सुपरिटेंडेंट। ओके, हु एड्रेस्ड सरोजिनी नायडू, डियर मदर, सिंगर एंड गार्डियन ऑफ माय सोल, किसने कही थी ये बात? ये क्वेश्चन दोबारा डला है यहाँ पर क्लास में, क्योंकि ये क्लास का जो क्वेश्चन था तब गलत था बहुत बच्चों का, आज ये गलत नहीं होना चाहिए। जी धर्मपाल जी, यस आंसर करिए, आज ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इनको डियर मदर और गार्डियन ऑफ सोल कहा था, सिंगर भी कहा था। ठीक है, और गांधी जी ने इनको फिर भारतीय कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा था। ठीक है, हुज एसे ऑन सरोजिनी नायडू इंक्लूडेड इन द गोल्डन ब्रेथ स्टडीज इन 5 पॉइंट्स ऑफ न्यू इंडिया। द गोल्डन ब्रेथ, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नायडू का है ना, और द गोल्डन ब्रेथ नाम से ऐसे लिखा था किसी ने, इनमें से कोई राइटर है उन्होंने लिखा था, वो सरोजिनी नायडू के ऊपर लिखा था, बताइए। यस, बैच स्टूडेंट्स तो फटाफट आंसर किए जा रहे हैं। यस यस, उनको बुलबुले हिंद भी कहते थे। यस, बुलबुले हिंद भी कहते थे सरोजिनी नायडू को। जी, क्या आंसर आएगा बच्चे? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने सरोजिनी नायडू के ऊपर एसे दिया था, एसे का नाम है द गोल्डन ब्रेथ। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी है बट हमें एकदम से छांट लेना है। हिंदी मूवी बनी थी, 7 अवार्ड मिले हैं, ये चीज मैंने करवाई थी ना, नारायण की बात है, नारायण को 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। किस वर्क के लिए मिले थे अवार्ड? कौन सी वर्क पे मूवी बनी थी हिंदी? फटाफट उसकी डेट बता देना मुझे, राइटर को इसको टिक करके डेट बता दो पहले। वेरी गुड हरमन, वेरी गुड ममता, सोनिया, स्तुति जी। यस, बिल्कुल ठीक है, द गाइड नाम था इनकी बुक का, और 1958 में ये पब्लिश हुई थी, और 1960 में इसी बुक के लिए R.K. नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था, है ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। ये जो हरमन छोटी छोटी इमोजीज यूज करती है तो फटाफट उसके क्वेश्चन के ऊपर, उसके रिप्लाई के ऊपर ध्यान चला जाता है, तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, आंसर के साथ छोटी सी कोई इमोजी डाल दिया करो ताकि आपके आंसर के ऊपर मेरा ध्यान जाए। ये हरमन बहुत क्यूट सी एक फिश यूज करती है, एकदम से उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। विच वर्क ऑफ देसाई इज नॉट लिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज, इनमें से इनको कौन से को शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, कौन सा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था? इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग, क्लियर लाइट ऑफ द डे, फायर ऑन द माउंटेन। यस, फायर ऑन द माउंटेन ही था जो बुकर प्राइज के लिए तो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, बट इसके लिए उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड जरूर मिल गया था, है ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड ले गई थी फिर अनीता देसाई। 3 बार उसका वर्क बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होता रहा, वो इतनी उदास हुई कि फिर एक फटाक से एक फायरी वाला उन्होंने एक वर्क लिखा जिसमें उन्होंने आग लगा दी आग, है ना, आग लगा दी आग कहते हैं ना अनु मलिक जी। तो उन्होंने फायर ऑन द माउंटेन लिखा और फिर इससे ही उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल गया जी। व्हाट इज द नेम ऑफ अमिताभ घोष फर्स्ट नॉवल? ये बच्चे, ये क्वेश्चन इतना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बच्चे गलत कर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जी बताइए, ये बहुत से बच्चे ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर ऐसा है जो गलत कर आते हैं जी। यस, सर्कल ऑफ रीजन बिल्कुल सही है आंसर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स कौन से थे? बैच स्टूडेंट्स को आता है आंसर, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बैच स्टूडेंट्स को आता है, बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड शीनम, ये 3 पार्ट्स में था। यस यस, बताइए पार्ट्स बताइए। आर, पी एंड डी नाम से थे ये वर्क्स के नाम, 3 पार्ट्स के नाम। वेरी गुड दीक्षा, क्लैप फॉर यू। हरप्रीत, मंजीत सराओ, जीनिया, नेहा, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत खुशी होती है जब आप लोग सही आंसर देते हो। रीजन, पैशन और डेथ। मैं बच्चे आप लोग सही आंसर दे रहे हो ना, और मैं आप लोगों को आपके एग्जाम में बैठा हुआ फील कर पा रही हूँ कि किस तरीके से वहां भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आपके मतलब खुशी का आपका ठिकाना नहीं रहेगा जब आप टिक 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 करके भागे आओगे और फिर घर आके मेरे को फोन करोगे कि मैम हमें तो सारा ही पेपर आता था, क्योंकि सारा ही वही आया था जो आपने क्लास में करवाया था, है ना जी। सर्कल ऑफ रीजन, रीजन मिल गया था अमिताभ घोष को राइटिंग करने का, उनको काम आगे नॉवेल्स लिखने की, उनको एक रीजन मिल गया, उनको एक किक मिल गई कि मुझे तो अब ये मेरा वर्क इतना पॉपुलर हुआ कि मुझे तो अब नॉवेलिस्ट ही बनना है, इसी स्ट्रीम में आगे बढ़ना है। जीने का रीजन मिल गया था उनको एज अ नॉवेलिस्ट। तो सर्कल ऑफ रीजन से आप ये वर्ड याद रख सकते हैं कि ये उनका पहला वर्क था। हु इज नोन एज चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन भी बहुत से बच्चे गलत करते हैं। राजा राव, मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण और खुशवंत सिंह जी। बताइए, चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चलिए पूरा पूरा नाम लिखेंगे, ये पूरा पूरा नाम लिखेंगे आप इसका आंसर। थैंक यू सिद्धू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। यस निशा जी, पूरा पूरा नाम लिखिए, कोई नहीं आपके हाथ घिस जाने बच्चे। एक बार यहाँ पूरा नाम लिखोगे तो पेपर तक याद रहेगा जी। मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि मुल्क राज आनंद, जो चीज चार्ल्स डिकेंस ने विक्टोरियन पीरियड के लिए की थी, विक्टोरियन एज में सोसाइटी के लिए की थी, सोसाइटी की छोटी से छोटी चीजों को सामने लेके आए थे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो क्लास स्ट्रगल है, चाहे वो कास्ट स्ट्रगल है। उसी तरीके से मुल्क राज आनंद इंडिया राइटिंग में, इंडियन के राइटिंग स्टाइल में, है ना, इंडियन राइटर थे ये, उस स्ट्रीम में सोसाइटी को, उनकी कमियों को सामने लेके आते हैं, तो वो चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहलाते हैं। नायडूज बर्थडे 13 फेब इज सेलिब्रेटेड एज, आप सबको आता है ये आंसर बट टिक करते जाइए। विमेंस डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंडशिप्स डे, कौन सा डे है इसमें? विमेंस डे, वेरी गुड। विमेंस डे सरोजिनी नायडू के साथ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो उनको वन ऑफ द फेमिनिस्ट ल्यूमिनरीज भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज हमने याद की है। फेमिनिस्ट ल्यूमिनरीज भी बोलते हैं सरोजिनी नायडू को। चलिए, इन विच ईयर वॉज खुशवंत सिंह अवॉर्डेड पद्म विभूषण? अभी अभी बताया था मैंने 2007 में, यहाँ पे 2007 आंसर आएगा। 2007 में अमिताभ घोष को पद्म श्री मिला था और खुशवंत सिंह को पद्म विभूषण मिला था, तो दोनों डेट्स हुई ना सेम सेम हुई, तो आपको याद होना चाहिए। माइंड में, यस मनताज जी, माइंड में इसको लॉक कर लो, वेरी गुड। ताला चाबी भेजा है जी इन विच ईयर ये हो चुका। चलिए लास्ट पोएम ऑफ गोल्डन थ्रेश होल्ड इज, लास्ट पोएम कौन सी है? जैसे कि लिरिकल बैलेट्स की पहली पोएम आखिरी पोएम पूछी जाती है, पेपर में द गोल्डन थ्रेश होल्ड की भी पहली पोएम आखिरी पोएम पूछी जा सकती है। यस सोनिया बिल्कुल ठीक है, राजा राव को भी पद्म विभूषण मिला था। यस राजा राव को बच्चे पोस्टुमसली मिला था, ये जरूर ध्यान रखना है। उनकी 2006 में डेथ हो गई थी तो 2007 में उनको मिला था पोस्टुमसली। अगर स्पेशल बात क्वेश्चन में ये आए कि लिविंग पर्सन को कब मिला था, बिफोर डेथ मतलब डेथ से पहले उन्हें कब मिला था, यस तो वो कौन आएंगे? खुशवंत सिंह आएंगे। ये देखो मेरा पिछला क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो। अगर मान लो यहाँ पर खुशवंत सिंह ना लिख के सिर्फ ये लिखा होता कि 2007 में लिविंग पर्सन कौन था जिसको मिली है, तो आप खुशवंत सिंह आंसर करके आओगे। अगर पोस्टुमसली लिखा है स्पेशली, ठीक है पोस्टुमसली लिखा आएगा, पर 2007 ही दिया होगा और खुशवंत सिंह और राजा राव दोनों ही होंगे अगर उसमें ऑप्शंस में, तो आप पोस्टुमसली वाले में राजा राव टिक करके आओगे। ठीक है तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होता है बट आपको याद रखनी है। चलिए आगे क्वेश्चन है बच्चे, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर इज द मैन ईटर? कौन था क्रीचर? वो एक डेंजरस सा पर्सन था जो क्या करता था, आपको मैंने फोटो में भी बताया है, फोटो भी बताई हुई है पीपीटी में जब हम पढ़ रहे थे इसको। आरके नारायण का मालगुडी करा था जब हमने, मैन ईटर ऑफ मालगुडी, तो इसकी मैंने आपको पिक भी लगा के बताई थी कि वो चीज क्या होती है। वेरी गुड मीनू, यस एनिमल्स की स्किन पील करता है एक टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है तो टैक्सीडर्मिस्ट था कौन? वासु। कौन था? कौन था टैक्सीडर्मिस्ट? वासु। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एजुकेटेड इन मैसूर यूनिवर्सिटी एंड रिसीव्ड हिज पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी? लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी किसने की है? इतनी सी बात है, बता दो आंसर। जयंता महापात्रा, विक्रम सेठ, ए.के. रामानुजन, निस्सिम एज़ेकिएल। किसने यूनिवर्सिटीज इंडियाना यूनिवर्सिटी से पीएचडी लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है? वेरी गुड, ए.के. रामानुजन ने। किसने किया हुआ है? ए.के. रामानुजन ने। इनको 5 लैंग्वेजेस में भी अच्छे से इनकी फ्लुएंसी थी। बच्चे अगर आप लोग मेरी क्लास ए.के. रामानुजन आपने अटेंड की हुई है तो मुझे आप पांचों की पांचों लैंग्वेजेस बता दीजिए, पांचों की पांचों लैंग्वेजेस बता दीजिए कौन सी थी। यस नवदीप कंबोज जी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 5 लैंग्वेजेस में वो फ्लुएंसी थी उनकी, फ्लुएंट थे। क्या था वो बताइए लैंग्वेजेस के नाम। यस संदीप कौर ने आंसर किया है, वेरी गुड। जैफी गोयल ने किया है आंसर, यस वेरी गुड। प्रीत कंवल जी, नीरज सैनी, दीक्षा, वेरी गुड। बच्चे मैं बता रही हूँ यहाँ पर कन्नड़ा, क्योंकि वो मैसूर बोर्न है, मैसूर बोर्न में मतलब वो कर्नाटका के हैं, कर्नाटका की मदर टंग कन्नड़ा है। ठीक है उसके बाद तमिल, तेलुगु, ये भी कर्नाटका के पास की लगती स्टेट्स हैं। देन उनको संस्कृत भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी। ओके चलिए सरोजिनी नायडू अ बायोग्राफी, ये पूरी बुक का नेम है। ये किसने दी थी बुक? 1966 में पब्लिश हुई थी सरोजिनी नायडू की डेथ के बाद। ये किसने दिया था ये वर्क? यस नवनीत जी बिल्कुल ठीक है आप। यस जो मंजीत सराव हैं, जो अभी हमारे स्क्रीन पर आदित्य सराव के नाम से अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो आंसर कर रही है केएस टेट, है ना। केएस टेट मतलब ए.के. रामानुजन की लैंग्वेजेस है, कन्नड़ा, संस्कृत, तमिल, इंग्लिश, तेलुगु। तो उन्होंने केएस टेट नाम का एक छोटा सा एक्रोनियम बनाया है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? एक्रोनियम। क्या बोलेंगे इसको? एक्रोनियम। जो आप टिप्स उठा के एक छोटा सा टाइटल बना लेते हो अपनी चीज याद करने के लिए। यस पद्मिनी सेन गुप्ता हैं, उन्होंने सरोजिनी नायडू की बायोग्राफी दी थी 1966 1906 में। Which team does MCC decide to play against for the first match? फर्स्ट मैच हुआ था बच्चे संडे के दिन, बट जो हमारा स्वामी है वो खो गया था फॉरेस्ट में और वो संडे के दिन शाम को वापस आता है, उसे नहीं पता लगता कि आज सुबह मैच हो चुका है, जिससे राजम रूठ के उससे नाराज हो जाता है, रूठ जाता है और उससे अपनी दोस्ती तक खत्म कर देता है। तो एमसीसी ने कौन सी क्रिकेट टीम के साथ मैच प्ले किया था? नहीं संदीप कौर जी, आपका गलत है। ओ ओ, पीछे साउंड बजती है ना, आंसर गलत हो जाता है। तो ओ ओ, ट्राई करिए, बाकियों का आंसर देखिए, फिर से आंसर ट्राई करिए जी। मनताज कौर जी अपने हर आंसर के साथ एक लॉक एंड की भेजती हैं कि उनके माइंड में आंसर लॉक हो गया है। यस, लॉक कर दिया जाए। द यंग मैन्स यूनियन इज द राइट आंसर। नवनीत कौर जी YMCC नहीं है, YMCC नहीं है। कहाँ से पढ़ रहे हो आप बच्चे, कहाँ से पढ़ रहे हो? धर्मपाल जी बच्चे, जैफी गोयल अपना आंसर डिलीट करें, अगर आप गलत हैं तो आंसर रखें नहीं वहां पर, बाकी बच्चों को भी फिर गलत आंसर याद होता है। नवदीप कंबोज जी गलत है बच्चे आपका आंसर, मैं बहुत से स्टूडेंट्स का देख रही हूँ आंसर गलत है। अच्छा हरमन क्या कह रही है, स्वामी को लास्ट में फेरी टेल बुक देनी पड़ी राजम को मनाने के लिए, ऑफ कोर्स उन्होंने फेरी बुक दी थी उन्हें। यस बच्चे, गलती से नहीं, ये आपका एग्जाम चल रहा है, ये आपका 150 मार्क्स का पेपर चल रहा है, आप गलत कर रहे हो तो उसकी कोई माफी नहीं है, आपका बस मार्क कटेगा, ठीक है। तो यंग मेंस यूनियन इज द राइट आंसर, MCC वाले YMU के साथ खेलते हैं, ठीक है। चलिए, डैश इज द सीक्वल टू द हंग्री टाइड। टाइड से मैंने आपको पानी याद करवाया था कि पानी में लहरें उठती हैं और यहीं से ही सीक्वल क्या है इसका बच्चे, सीक्वल क्या है? द शेडो लाइन, द कैलकटा क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, गन आइलैंड जी। यस यस हरमन और उसकी इमोजीज, यस शगन सिद्धू की इमोजी भी अच्छी है। यस, गन आइलैंड इज राइट आंसर। गन आइलैंड, आइलैंड भी पानी होता है तो इससे हमने थोड़ी सी स्टोरी रिलेट कर ली थी। जो क्रोमोसोम है वो एक मेडिकल टर्म है, तो इससे हमने एक मेडिकल जो बीमारी है मलेरिया वो कलकत्ता क्रोमोसोम में हुआ था, और रोनाल्ड रॉस जो एक साइंटिस्ट है नोबेल विनर उनके ऊपर थी वो कलकत्ता क्रोमोसोम। शी रेफर टू विच नॉवल एज 4 डायमेंशनल पीस ऑन हाउ अ फैमिली मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स इन अ पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे यहाँ पर शी से आपको ये जो वर्क्स की राइटर है उससे इमेजिन करना पड़ेगा कि वो शी कौन है। आपको इनकी राइटर का नाम पता है तो आप शी पे जान जाएंगे, किसने अपने वर्क को बोला था कि ये एक 4D पीस है, 4 डायमेंशन मतलब 4D पीस है, कि फैमिली कैसे बैकवर्ड एंड अपवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जाती है एक टाइम पीरियड में लेके। आंसर बताइए, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, फायर ऑन द माउंटेन, बाय बाय ब्लैक बर्ड। जी मंजीत सराव जी, आर्थर क्लार्क अवार्ड मिला था कलकत्ता क्रोमोसोम को। अच्छा लगता है जब आप लोगों को आंसर जो क्वेश्चन में है उससे भी ज्यादा आए। यस, क्लियर लाइट ऑफ द डे बिल्कुल सही आंसर है, ये इनका था, अनीता देसाई का वर्क है जिसमें उन्होंने ये लाइन कही है, ठीक है जी। पब्लिकेशन डेट ऑफ कूली, कूली की पब्लिकेशन डेट क्या थी? कूली की पब्लिकेशन डेट क्या है? 36, 37, 45, 35 जस्ट सिमरत जी बिल्कुल ठीक है, 1936, वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक है, 36 आंसर है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज सेट इन, लोकेशन बतानी है, लोकेशन। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है? अरुंधति रॉय का। तो क्या डेट है इसकी, क्या लोकेशन है? आयमनम, चंद्रापुर, बक्सर, थुल। यस दीक्षा बिल्कुल ठीक है। यस प्रीत कमल, जससिमरत जी, जैफी, शगन सिद्धू जी, रंजीत सिद्धू संधू जी। क्या है ऑप्शन बच्चे? आयमनम। ठीक है, आयमनम में ये इसकी लोकेशन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। यस मैं ये कहने ही वाली थी कि इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। वेरी गुड मंजीत सराव जी, केरला डिस्ट्रिक्ट क्या है? यस सॉरी मुमताज कौर जी, मंजीत, हाँ मंजीत सराव, सॉरी मंजीत सराव जी। यस जी, मुमताज कौर के भी बहुत से आंसर ठीक है, अब तक के सारे आंसर ही ठीक है मुमताज जी के। क्लैप फॉर यू मुमताज, आप हमारे साथ न्यू स्टूडेंट ही हैं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपको हमारे साथ कनेक्ट हुए, और मुझे खुशी हो रही है कि कैसे आप आज मॉक टेस्ट में बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं। यस, सबटाइटल ऑफ द विलेज बाय द सी, इसका सबटाइटल क्या है और ये किसका वर्क था, किसका वर्क था, ये इसकी राइटर कौन है, ये भी बताना है आपको। द विलेज बाय द सी, यस विलेज बाय द सी का राइटर कौन है, प्लस इसका सबटाइटल क्या है। जी जी बताइए बताइए। रविंद्र कौर जी आप क्या आंसर कर रहे हैं अभी तक? अच्छा आप पिछला क्वेश्चन का ही आंसर कर रही हैं, आपके पास शायद नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है जी। एन इंडियन फैमिली स्टोरी इनका नाम है, अ विलेज बाय द सी का। ठीक है, खुशवंत सिंह लेटर रिटर्न हर विच प्राइज, यहाँ पे ही जाना था सॉरी। इन्होंने कौन सा अपना वर्क है, अवार्ड है जो रिटर्न कर दिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद। सॉरी बच्चों एक मिनट रुको, यहाँ पर गलती से खुशवंत सिंह टाइप हो गया मुझसे। यहाँ पे केसरी हिंद किसको मिला था? नायडू को। केसरी हिंद किसको मिला था बच्चे? यस केसरी हिंद आएगा, केसरी हिंद। एक बार क्लियर करना, ये अवार्ड है जो केसरी हिंद वो किसको मिला था? नायडू को मिला था ना। ये मुझसे गलती से यहाँ पर लिखा गया, टाइपिंग में कुछ कट कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहाँ पर सरोजिनी नायडू कर लेना आप। ठीक है, सरोजिनी नायडू को मिला था अवार्ड केसरी हिंद जो उन्होंने रिटर्न कर दिया था। हाँ जी, खुशवंत सिंह को नहीं मिला, वो मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मुमताज जी ऑफेंड हो रही है, प्लीज अरुंधति रॉय को कुछ नहीं कहेंगे, उनको वो पसंद आ गई है अरुंधति रॉय। यस, What was the name of the girl with whom Chandran fell in love with? चंद्रन हमने कितने अच्छे से किया है ना? बैचलर ऑफ आर्ट्स हमने कितने अच्छे से किया है आर के नारायण का। इवन की सारी समरीज ही बहुत बढ़िया गई थी जी। चंद्रन को किससे प्यार हो जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स में? यस मंगल दोष होता है ना चंद्रन को, और शादी नहीं हो पाती फिर इनकी, और फिर इसकी शादी किससे हो जाती है? सुशीला से। यस मालती करेक्ट आंसर है। फिर चंद्रन की शादी किससे हो जाती है? सुशीला से हो जाती है। ठीक है, चलिए। अरुंधति रॉय स्टार्टेड हर करियर इन राइटिंग इन 1992। रॉय का पहला नॉवल क्या था? पहला नॉवल, फर्स्ट वाला वर्क पूछा है उसका। तो ये चीज मैं आपको बोलती रहती हूँ ना, पहला वर्क पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपका एग्जाम हो रहा है, पहला नॉवल पूछ रहे हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, फिक्शन और नन ऑफ दिस। यस, क्या सही आंसर है? पहला वर्क क्या था? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यस, चलिए। खुशवंत सिंह ट्रांसलेटेड राजिंदर सिंह बेदीज उर्दू नॉवल। खुशवंत सिंह ने एक उर्दू नॉवल था, एक चादर मैली सी, राजिंदर सिंह बेदी का था वो वर्क, उर्दू में लिखा गया था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। क्या नाम था उस ट्रांसलेशन का? आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दिल्ली अ नॉवल, द कंपनी ऑफ विमेन, आई टेक दिस विमेन। यस, क्या सही आंसर है? नहीं जैफी जी। यस वो स्क्रीन प्ले है, यस वो स्क्रीन प्ले है। आप ये बताइए जो इसका आंसर है वो क्या आएगा? यस आई टेक दिस विमेन। क्या आएगा? आई टेक दिस विमेन। कुछ बच्चों का नेटवर्क मुझे लगता है बहुत स्लो है, वो पीछे वाले क्वेश्चंस पे ही अटके हुए हैं अभी तक। जी, आई टेक दिस वुमेन इज राइट आंसर। इसका उर्दू में नाम था एक चादर मैली सी। चलिए, सबटाइटल ऑफ द ब्रोकन विंग, इसका सबटाइटल क्या है? Songs of Love, Death, Destiny, Life, Death, Spring, Five Poets of New India, an Essay in Search of Faith. Yes, Love, Death and Destiny ये इनका सबटाइटल है Broken Wing का। चलिए आगे क्वेश्चन है When was the golden threshold published? ये मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग बताएंगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। जस्ट सिमरत का नेटवर्क सबसे अच्छा चल रहा है मुझे लगता है, दीक्षा का भी। यस, नेहा, जीनिया, शगन, संदीप, इन सबका नेटवर्क भी अच्छा है, साथ साथ चल रहे हैं ये लोग। क्या आंसर है? 1905। यस, ठीक है। इसमें 40 सॉन्ग्स थे, 40 लिरिक्स थे इसमें। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द 1998 इंडियन फिल्म अडेप्टेड फ्रॉम खुशवंत सिंह क्लासिक नॉवल? इनके क्लासिक नॉवल के ऊपर एक फिल्म बनी थी इंडिया में। ब्लू अम्ब्रेला, गदर एक प्रेम का था, ट्रेन टू पाकिस्तान, द हीरो। ओके, सिद्धू मोनिका जी कह रही हैं वीडियो लेट आ रहा है। बच्चे, आपके उधर थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, शायद वेदर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट यहाँ पर बाकी बच्चे बहुत तेज तेज आंसर कर रहे हैं, उनके यहाँ नेटवर्क स्पीड अच्छी आ रही है। यस, ट्रेन टू पाकिस्तान था इनका वर्क, जो कि खुशवंत सिंह का क्लासिक नॉवल काउंट होता है। उनपे मूवी बनी थी सेम नाम से ही, ठीक है, सेम नाम से ही मूवी बनी थी उनके ऊपर। चलिए, A.K. रामानुजन वॉज अवॉर्डेड क्या लिखा है? साहित्य अकेडमी अवार्ड पोस्टुमसली इन, कब मिला था उनको? कब मिला था इनको अवार्ड? हमने अभी पीछे क्वेश्चन करा था ना, द कलेक्टेड पॉइंट्स के लिए मिला है, पेपर में कलेक्टेड पॉइंट्स के लिए पूछा गया है, और कब मिला था? यस, 1999 में मिला था। कब मिला था? 1999 में। एक बार बच्चे बता दो आज का क्विज सेशन आपका कैसा चल रहा है? एक मिनट का ब्रेक ले लें, जरा सा एक मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। क्वेश्चंस बता दो, अभी क्लास काफी लंबी चलेगी क्योंकि हम 55 नंबर क्वेश्चंस पर आए हैं और अभी 150 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो 100 क्वेश्चंस तकरीबन, अभी 95 क्वेश्चंस रहते हैं। जी, क्लास कैसी लग रही है? आपका सारा रिवीजन इंडियन लिटरेचर का कैसा फील हो रहा है आपको? क्या चीजें टिप्स पर है? थैंक यू रवीना जी। रवीना जी ऐसे मेरे को हार्ट भेजती है 2 फिंगर्स के साथ, अच्छा लगता है। धर्मपाल जी भी कह रहे हैं एकदम जबरदस्त। जी, जीनिया, थैंक यू। मनताज जी, जेफी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रीत कंवल कह रही हैं कि टिप्स पर चीज़ें याद हो गई हैं। जी, क्या इसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज की क्लास में पहली बार हमारे पास आए हैं? प्लीज़ हैंड रेज करिए। जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं, या वो अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि मैम ये क्लास हमने आपकी पहली बार लगाई है। एनर्जी लेवल कैसा है? क्वेश्चंस कैसे हैं? आप लोगों में से बहुत से क्वेश्चंस ने बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में भी ये पेपर दिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं। क्या इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं क्लास में? बताइए, क्या इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एग्जाम में? जी, मनदीप मान जी कह रही है कि विदाउट प्रिपरेशन आई थी, बट मनदीप मान अगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो उन्हें पता है हम क्लास में ही इतना अच्छा करते हैं कि आप लोगों को दोबारा से ऐसे रिवीजन की नीड नहीं पड़ती, आपको देखते ही आंसर आने लगते हैं। यस जी, ओके। अर्शदीप शर्मा जी हमारी क्लास में न्यू हैं। ओके, वेलकम टू आवर क्लास। बच्चे, ऐसे ही अगर डेली आप क्लास में आएंगे, आपको भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह चीज़ें एकदम फैंटास्टिकली आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएगी, आप चीजों को रिलेट करके आंसर करोगे। देखो बच्चे, रट्टा तो हर चीज में मारना ही पड़ता है क्योंकि कुछ डेट्स ऐसी होती हैं कि हम बिना रट्टे के याद नहीं कर सकते, बट रट्टा भी अक्ल से मारा जाता है, चीजों को रिलेट करके, उसकी एक कहानी बना के 5-6 सर्कमस्टांसेस को कनेक्ट करके, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू संदीप कौर जी, वो कह रही है कि अगर मैम हम आपके साथ जुड़े रहे तो ये काफ़ी इजी है, हमारा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट अटैम्प्ट है जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऐसे ही साथ देना है, ऐसे ही मैं आपके साथ हूँ और आपको मेरे साथ रहना है और पेपर क्लियर करना है, ठीक है। चलिए ब्रेक ख़त्म करते हैं, क्लास में आते हैं। फ्रीडम मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल राइट्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, यानी कि लोकेशन क्या थी, ढाका और इंडिया, और वर्ल्ड वॉर बताया है तो और लोकेशन क्या है, लंदन। तो ये जगह तीनों कहाँ पर आती हैं? यहाँ पर सारे वर्क्स किसके दिए गए हैं, अमिताव घोष के। सॉरी, अमिताव घोष का एक ही है, शेडो लाइन्स, अनटचेबल्स और हेवदाना, ये गिरीश कर्नाड का है। यहाँ पर अनटचेबल मुल्क राज आनंद का है। ये तारा एक बार सर्च करना, शायद तारा महेश दत्तानी का हो सकता है, बट एक बार आप ये सर्च कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप सर्च कर लेना कि तारा वर्क किसका है, शायद महेश दत्तानी का या फिर भवानी भट्टाचार्य का हो सकता है ये वर्क, बट आप एक बार ये सर्च कर लेना। बट शेडो लाइंस इसका करेक्ट आंसर है, ये अमिताव घोष का था, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल वर्क काउंट होता है, मैजिक रियलिज्म में भी आता है ये वर्क, और ये 1947 के पार्टीशन पर बेस्ड था जी। यस हरमन, हरमन एक बार तारा वर्क किसका है ये प्लीज सर्च करके आप अभी कमेंट कर दो, चीज क्लियर हो जाएगी। द टाइटल ऑफ डैश नोवेल द स्वॉर्ड एंड द सिकल इज गिवन बाय, स्वॉर्ड एंड द सिकल किसका था, मुल्क राज आनंद का, ठीक है। ये वर्क का जो टाइटल है ये किसने सजेस्ट किया था, स्वॉर्ड एंड सिकल किसने सजेस्ट किया था? यस ममता जी, रिंकी, रवजोत, संदीप जी, यस किसने किया था सजेस्ट, जॉर्ज ऑरवेल ने, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल ने इसका टाइटल दिया था, स्वॉर्ड एंड सिकल। यस चलिए आगे है क्वेश्चन विच, यस ये विलियम ब्लेक, वेरी गुड याद करवाया आपने, ये सॉरी ये विलियम ब्लेक की पोइम है स्वॉर्ड एंड द सिकल, उसमें से टाइटल उठाया था जॉर्ज ऑरवेल ने मुल्कराज आनंद के नॉवल के लिए। स्तुति कह रही है नजर ना लग गए मैम को, थैंक यू। हु कॉल्ड हिमसेल्फ द हाइफन ऑफ इंडो अमेरिकन, इंडो अमेरिकन का हाइफन, ये जो यहाँ पर बीच में हाइफन डालना था मुझे, ये जो हाइफन का निशान है ये किसने अपने आप को कहा था, ए.के. रामानुजन, निसिम एज़ेकिल, आगा शाहिद अली और इम्तियाज धारकर जी। बुकेस देने नहीं छोड़ रहे आप लोग। जी, ए.के. रामानुजन ने अपने आप को कहा था कि आई एम द हाइफन ऑफ इंडो अमेरिकन। चलिए मैच द कॉलम विद देयर डेट्स, चलिए मैच करिए द ब्लैक हैंड, सेकंड साइट, रिलेशंस और द स्ट्राइडर्स। मैच कॉलम भी एग्जाम में आता है तो आप ये मैच करके इनका आंसर करिए। जी चलिए चलिए मैच करिए प्लीज। मैं 2 मिनट का रेस्ट ले रही हूं, आप लोग मैच करिएगा आंसर्स। यस मुस्कान जी, यस चलिए जीनिया ने एक ही लाइन में सारा आंसर दे दिया। ब्लैक हैम है 1995, सेकंड साइट है 1986, रिलेशंस है 1971, स्ट्राइडर्स है 1966, ठीक है। आप लोगों का यही अगर आंसर है तो क्लैप फॉर यू, आप लोगों का आंसर ठीक है बिल्कुल। चलिए द विलेज बाय द सी, अभी अभी इसका हमने सब टाइटल भी किया था, एन इंडियन फैमिली स्टोरी। ये एक स्मॉल विलेज है, कहां पर इसकी लोकेशन थी, आयमनम, चंद्रपुर, बक्सर और थुल। कौन सा विलेज था इसमें, बच्चे कौन सा विलेज है इसमें, विलेज बाय द सी में अनीता देसाई का वर्क था ये, जिसके लिए उनको चिल्ड्रंस प्राइज भी मिला है। यस, वेरी गुड। थुल रिवर, थुल विलेज है जहां पर ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी काउंट होता है, ठीक है, थुल विलेज है ये। यस मंताज जी, हमने आपके आंसर को लॉक कर दिया है और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 1 करोड़ जीतती हैं आप, बधाइयां। Who wrote Introduction of the Bachelors of Arts? ये R.K. नारायण का वर्क है, इसकी इंट्रोडक्शन किसने दी थी, इसका यानी कि प्रीफेस किसने लिखा था, बताइए बताइए। बस ऐसे ही हंसते हंसते हम अपने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और आप लोगों का पेपर क्लियर करवा देंगे, ठीक है जी। यस, ग्राहम ग्रीन ने, किसने इंट्रो दी थी बैचलर ऑफ आर्ट्स की, ग्राहम ग्रीन ने। ये हमारी पीपीटी में मैंने बुक भी यहाँ पर साइड पर एक फोटो लगाई हुई है बुक की, उसके ऊपर बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा नाम लिखा है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एन इंट्रोडक्शन गिवन बाय ग्राहम ग्रीन। तो अगर जब भी फोटोज लगी होती हैं पीपीटीज में तो फोटो को भी जूम करके ध्यान से देख लिया करो। यस, ग्राहम ग्रीन उनके मेंटोर भी थे आरके नारायण के। यस यस दीक्षा, बिल्कुल ठीक है आप। अमिताव घोष नॉन फिक्शन वर्क द ग्रेट डीरेंजमेंट प्राइमरीली डिस्कसेस व्हाट, इसमें क्या है, किस चीज की डीरेंजमेंट हो रही है जी, बताइए। नॉन फिक्शन था ये इनका वर्क। द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्लाइमेट चेंज या पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान। अमिताव घोष हमने रिसेंटली ही 1-2 दिन पहले किया है तो आपको ये आंसर आना चाहिए। यस, वेरी गुड। ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है। यस, क्लाइमेट चेंज के बारे में है ग्रेट डिरेंजमेंट। संस्कारा अ राइट फॉर अ डेड मैन, ये किसका वर्क था पहले तो आप बताएंगे मुझे, किस भाषा में था, कौन सी लैंग्वेज का था और ये किसका ओरिजिनल वर्क था ये बताइए, और फिर इसकी डेट भी बतानी है कब ये पब्लिश हुआ। ओरिजिनल वर्क किसका था और किस लैंग्वेज में था, ये नॉवल था एक, ठीक है। नहीं जससिमरत जी, कैसे गलती हो गई आपसे। नहीं त्रिशा, त्रिशा को नहीं आता, त्रिशा पहली बार आ रही है लगता है हमारी क्लास में। वेरी गुड ममता रानी, वेरी गुड रिंकी गोयल। यस दीक्षा, बिल्कुल ठीक है आप। मंताज बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड दीक्षा। स्तुति का बिल्कुल सही आंसर है। यस जीनिया, नो जीनिया आपका गलत है राजी, आपका गलत है जी जी। अब देखिए, ये लैंग्वेज थी कन्नड़ा, कन्नड़ा लैंग्वेज का था, नॉवल था ये। यू आर अनंत मूर्ति का था, अनंत मूर्ति इनका वर्क था, 1976 में आया था, 1976 में। जिन जिन का गलत है वो अभी के अभी अपनी डायरी में भी करेक्ट करिए, कहीं आपने वहां तो नहीं गलत किया हुआ, अभी के अभी करेक्ट कर लो। 1976 में आया था, 1976 में ही ये ए.के. रामानुजन ने इसकी ट्रांसलेशन दी थी, ए.के. रामानुजन ने इनकी ट्रांसलेशन दी थी। और ए.के. रामानुजन को 1976 में कुछ मिला भी था, क्या मिला था, क्या मिला था, कौन सा अवार्ड ले गए थे वो बताना, जो मैंने आपको रिलेट करवाया था, कौन सा अवार्ड मिला था ए.के. रामानुजन को। मंताज आपकी तैयारी वेल डन, बच्चे बहुत अच्छी है, थूथू आपको नजर ना लगे। यस हरमन, यस यस दीक्षा कह रही है पद्मश्री। दीक्षा की ये इमोजी बहुत क्यूट है। यस इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, ठीक है। यस यही बच्चे हैं जो फिर जब रजिस्टर पर साइन करेंगे और फिर मुझे फोटो भेजेंगे कि मैम देखो हमारा एग्जाम क्लियर हुआ है, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, कुछ कहेंगे कि मैम ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था और आपके पास हम पढ़ते थे और हमारा क्लियर हुआ। यस, हु कॉल्ड नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारती कोकिला, ये दोनों ही टाइटल एक ही इंसान ने दिए थे, एक ने ही दिए थे। ये किसने दिए थे, गांधी टैगोर, अरबिंदो और गोपाल कृष्ण गोखले। यस ऑफ कोर्स हरमन, पोस्टर लगेगा। यस आप सबका ही पोस्टर लगेगा हमारी एकेडमी में, हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर सबकी फोटोज लगेगी, सबकी वीडियोस लगेंगी, आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा जिसका जिसका पेपर क्लियर होगा। आई होप आप सबका क्लियर हो, आई होप सो। यस, गांधी जी ने उनको कहा था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारती कोकिला। जी यस। इन विच ईयर अरुंधति रॉय वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड शी डिक्लाइंड इट। ये मैंने आपको कहा था कि अरुंधति रॉय को इंडिया का कोई प्राइज नहीं मिला, तो एक मिल भी रहा था बट उन्होंने मना ही कर दिया कि मुझे लेना ही नहीं है। तो कौन सी डेट थी जब उनको मिल रहा था वो अवार्ड? यस, मनताज जी कह रही है कि वी आर एक्साइटेड। यस, तो बच्चे हमने एक्साइटमेंट में बच्चे सारा ब्रिटिश लिटरेचर, इवन कि हम लिंग्विस्टिक्स भी इतने ज़बरदस्त तरीके से करेंगे क्योंकि मेरी खुद जो एमए है वो एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में ही है। ठीक है, मेरे मेजर सब्जेक्ट में लिंग्विस्टिक्स ही था और वो भी हम बहुत ही बढ़िया करेंगे। जी, आप ये छोटा सा आपकी इमोजी के साथ छोटा सा बफरिंग आ रहा है, आप लोग बफरिंग का साइन भेज रहे हो या नेटवर्क इशू है? यस, 2006 जनवरी के मंथ में 2006 में इनको अवार्ड मिल रहा था, इन्होंने मना कर दिया था। जी चलिए, टीएस एलियट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, एक बार देख लो। टीएस एलियट की पोइम यूज की थी अनीता देसाई ने अपने एक नॉवल में एज एन एपिग्राफ। एपिग्राफ की तरह यूज की थी अनीता देसाई ने पोइम टीएस एलियट की। यस, ऑल क्लियर है? जी जी। इन कस्टडी, फायर ऑन द माउंटेन, फास्टिंग फीस्टिंग या बॉम गार्टन्स बॉम्बे। जी बताइए। वेरी गुड ममता जी, वेरी गुड। यस, अर्शदीप शर्मा। बच्चे हमारे जो हमारी ऐप है उसमें अंदर हमने अपनी सारी पीडीएफ्स अपलोड कर दी हैं, उसमें अनीता देसाई भी इंक्लूडेड है। जिनका कुछ रहता है याद करने वाला वो वहां जाके याद कर सकते हैं। जी दीप संधू जी, बच्चे मैं तो यहीं पर ही थी, आप लोगों ने ही ढूंढने में टाइम ले लिया, मैं तो यहीं पर ही थी। यस यस, बॉमर बॉम गार्टनर्स बॉम्बे है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें इन्होंने ईस्ट कोकर नाम का इनका वर्क था टीएस एलियट का। रुको मैं एक बार क्लीन करती हूँ शीट, ध्यान से सुनो। टीएस एलियट की पोइम थी ना, इनकी पोइम थी फोर क्वार्टेट्स। फोर क्वार्टेट्स पोइम थी, कलेक्शन थी जिसमें 4 भाग थे, उसमें एक का नाम ईस्ट कोकर था जिसमें आई एम द बिगनिंग ऐसे एक लाइन आती है, आई एम द बिगनिंग ईस्ट कोकर करके। ठीक है, तो वो लाइन अनीता देसाई ने यूज की थी अपने नोवेल में। कौन से नोवेल में? बॉम गार्टनर्स बॉम्बे में। ठीक है, चलिए। सरोजिनी नायडू हैज डिस्क्राइब्ड डैश एज मिकी माउस और अ लिटिल मैन। संदीप संधू कह रही है मेरा तो सारा ही रहता है याद करने को। अच्छा, संदीप सुथार जी कह रहे हैं बच्चे कोई बात नहीं, आप न्यू हैं, आप एक बार हमारे साथ ब्रिटिश जर्नी से ब्रिटिश लिटरेचर से जर्नी स्टार्ट कर लो, आपको इंडियन लिटरेचर हम दोबारा से रटवा देंगे। ठीक है। यस, महात्मा गांधी थोड़े छोटी हाइट के थे, उनको वो लिटिल मैन और मिकी माउस कहती थी जो हमारी सरोजिनी नायडू है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन इज रिटन बाय, ये किसने कहा था? किसका वर्क था एंड ऑफ इमेजिनेशन? अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, भारती साराभाई और पीए कृष्ण स्वामी। जी बताइए। एंड ऑफ इमेजिनेशन मैंने ये चीज आपको बताई थी, ये इसका फर्स्ट एसे है, बताया था या नहीं? फर्स्ट एसे है, इनकी एक एसे कलेक्शन की बुक है, उसके अंदर ये पहला एसे है। वो उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का क्या नाम था जिसके अंदर ये पहला एसे था? ये अरुंधति किसका है? अरुंधति रॉय का। यस, ओके। अंकित वालिया जी, ये अपनी शिवानी वालिया है जो अंकित वालिया के नाम से टाइप कर रही हैं। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, जो बच्चे न्यू हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं हम इंडियन लिटरेचर खत्म कर चुके हैं, ठीक है। बट अनीता देसाई को कल मैं मंडे को दोबारा करवाऊंगी क्योंकि बाय चांस कल रिकॉर्डिंग ऑन रह गई थी करनी, और 1 अगस्त को हम ब्रिटिश लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। आप वहां से हमारे साथ जुड़ जाओ और दोबारा से इंडियन लिटरेचर जब रिपीट होगा तो आपको तब वो चीजें अच्छे से टिप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। Yes, algebra of infinite injustice, the algebra of infinite injustice, जी infinite justice, yes। इस वर्क में से इनका ये पहला एसे था द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। ये किसका था? अरुंधति रॉय का। चलिए, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस जो 2001 में आया था, ये क्या है? एसेज हैं, ये लेक्चर्स हैं, ये पोइम्स हैं, ये जर्नल्स हैं, क्या है ये? किस चीज की कलेक्शन थी ये एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस? वेरी गुड, ये कलेक्शन ऑफ एसेज था, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एसेज था। When did Bachelor of Arts published? ये दोबारा आ गया क्या? नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं आया। ये कब पब्लिश हुआ था बैचलर ऑफ आर्ट्स? यस, 1937 को। कब पब्लिश हुआ था? 1937 को। यस बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आर.के. नारायण का ये वर्क था, सेकंड नॉवल था उनकी ट्रिलॉजी का। व्हाट इज द नेम ऑफ अमिताभ घोष लेटेस्ट नॉवल? लेटेस्ट, अच्छा आज की क्लास में ऋषभ नहीं आए हैं ना, आज की क्लास में कोई बात नहीं। ऋषभ आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप 4 दिन के लिए ब्लॉक हो जाओगे। आज की क्लास में ऋषभ नहीं आए हैं, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आप आने वाली 4 क्लासेस में ब्लॉक रहेंगे बच्चे। मैंने पहले ही बोला था जो स्टूडेंट आज के क्लास में मिस करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा 4 दिन के लिए जी। स्मोक एंड एशिज, यस स्मोक एंड एशिज उनका लेटेस्ट वर्क है, 2023 में ही आया है ये, अभी अभी जुलाई में, ठीक है, 28 जुलाई को आया है ये, अभी अभी रिलीज किया गया है स्मोक एंड एशिज, ठीक है। 2-3 दिन पहले की बात ही है, अमिताभ घोष की ने लेटेस्ट बुक अपनी दी है स्मोक एंड एशिज। विच नॉवल डिस्क्राइब्स अ पिलग्रिमेज टू इंडिया बाय अ यंग कपल? क्या नाम था यंग कपल का? इटालियन मैटियो एंड जर्मन सोफी एंड द लाइफ ऑफ मिस्टीरियस वुमेन लैला। ये किसका वर्क था? आपको पहले तो वर्क पढ़ के याद आएगा कि ये अनीता देसाई के हैं, तो अनीता देसाई के कौन से वर्क में पिलग्रिमेज की बात हुई है ये ढूंढना है आपको। बाय बाय ब्लैक बर्ड, इन कस्टडी, फायर टू ऑन द माउंटेन या जर्नी टू इथाका? जी क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड। यस ममता जी, यस यस स्तुति बिल्कुल ठीक है। प्रीत कंवल, जीनिया, अभिलाषा, ओके। हैप्पी सिंह ने गलत दिया है। हैप्पी सिंह प्लीज अपना नेम बताइए, लाइक आप रियली में हैप्पी सिंह हैं, क्योंकि आप हमारे साथ कभी कनेक्ट नहीं किए हैं क्लास में। जर्नी टू इथाका इज द राइट आंसर। ये अनीता देसाई का वर्क था, पिलग्रिमेज के बारे में था ये। जिन्होंने कल क्लास लगाई थी तो मैंने ये बताया था, ये मक्का मदीना वैष्णो देवी उनके साथ मैंने आपको इसको रिलेट करके एक स्टोरी बताई थी। ओके, आप अमनप्रीत कौर हैं हैप्पी जी, ठीक है, आप लगता है कल की क्लास में नहीं आई थी। डेथ एंड द गुड सिटीजन इज अ पोएम बाय? किसकी पोएम है ये द डेथ एंड गुड सिटीजन? ए.के. रामानुजन, निस्सिम एज़ेकिल, आगा शाहिद अली, इम्तियाज धारकर। बताइए द डेथ एंड गुड सिटीजन किसकी फेमस पोएम है? यस जस सिमरत जी, मंजीत सराव, जेफी, सोनिया, लवप्रीत, जीनिया, दीक्षा, रवीना, वेरी गुड, सबका ठीक है बच्चे। संदीप जी आपका भी ठीक है। ए.के. रामानुजन, क्या आंसर है? ए.के. रामानुजन की ये फेमस पोइम है डेथ एंड गुड सिटीजन। ये स्टूडेंट्स को बीए में लगी हुई होती है सिलेबस में। वेयर डिड सरोजिनी नायडू बिकम गवर्नर? गवर्नर कौन सी स्टेट की बनी थी सरोजिनी नायडू? पहली इंडियन वुमेन जो किसी स्टेट की गवर्नर बनी थी इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 1949 में तो इनकी फिर डेथ हो गई थी। आपको चीज़ें याद रहती हैं ना, जब मैं चीज़ों को रिलेट करती हूँ। स्पेशल बच्चे मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ध्यान, मतलब उनको डेट पे इतनी अच्छे से डेट्स याद हो जाती हैं कि लाइक मैं रिलेट कर देती हूँ उनको, है ना। मैं रिलेट करके बताती हूँ कि ऐसा हुआ था तब जाके ये हुआ, वैसा हुआ था तब जाके ये हुआ। तो रिलेट करने से चीज़ें याद होती हैं। यस, लखनऊ में डेथ हुई थी। हरमन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस को अब उत्तर प्रदेश बोलते हैं, और जो यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस है, उसकी जो कैपिटल है वो लखनऊ है। तो वो अपने गवर्नर हाउस में उनकी डेथ हुई थी। यस, वेरी गुड। किससे डेथ हुई थी? हार्ट अटैक से, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट आ गया था रात के 3:30 बजे। एम आई राइट? यही हुआ था ना, रात को 3:30 बजे अटैक आया था सरोजिनी नायडू को। एक बात बताइए प्लीज, बताना बताना है, नजर नहीं लगानी। बता दीजिए एक बार, मेरी मेमोरी को नजर ना ला देना। आफ्टरनून में हुई थी। ओके, हाँ, ओके, आफ्टरनून में हुई होगी। यस, ठीक है। कभी कभी एक बार फिर भी देख लो, मिडनाइट में हुई थी कि आफ्टरनून में हुई थी। यस, गोमती रिवर में उनकी अस्थियां बहाई गई थी। यस जी, थैंक यू प्रीत कंवर जी। प्रीत कंवर जी कह रही है थू 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 थू। चलिए, बाय बाय ब्लैकबर्ड नॉवल है जो इमिग्रेंट्स के ऊपर लिखा गया था अनीता देसाई ने। ये डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में, एक्सेप्ट वन, कि कौन सा एक उसमें से नहीं है। अराइवल, डिपार्चर एंड रिकग्निशन, रिजर्वेशन या डिस्कवरी, कौन सा एक नहीं है जी? दीक्षा, वेरी गुड। हरमन, वेरी गुड। ममता, रिंकी जी, रिजर्वेशन नहीं है पार्ट कोई भी। ये तीनों ही पार्ट हैं बाय बाय ब्लैकबर्ड के जी। यस, मंताज जी बिल्कुल ठीक हैं आप। यस, रवीना। त्रिदीप डाइज इन, त्रिदीप था द शेडो लाइंस में। शेडो लाइंस को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। ये शेडो लाइंस है अमिताभ घोष का। ये इसमें त्रिदीप नाम का कैरेक्टर है जो कि प्रोटैगोनिस्ट है। ये मई से प्यार करता है, ये ढाका जाता है जेठामोशाई को वापस लाने के लिए, तो ये डेथ हो जाती है इसकी। कैसे? यस, कम्युनल राइट होता है ढाका में, मे को बचाता बचाता इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी स्टोरी का भी साथ साथ मजा ले लिया करो, है ना। चलिए, फिक्शनल टाउन की बात हो रही है, मालगुडी की बात हो रही है। मालगुडी है तो नारायण की बात हो रही है, नारायण की बात हो रही है तो नारायण का बर्थ कहाँ हुआ था? मद्रास में, जिसको आज चेन्नई भी बोलते हैं। तो क्या आंसर आएगा? चेन्नई। कहाँ पर है मालगुडी? चेन्नई में। यस, अगर मद्रास आता ऑप्शन में तो आप मद्रास भी टिक करके आएंगे जी, बिल्कुल ठीक है। स्वामीनाथन वेंट टू विच स्कूल? स्कूल का नाम बताना है स्वामी का। स्वामी कौन से स्कूल में जाता था मालगुडी में? जेजी इंटरनेशनल, मालगुडी पब्लिक स्कूल, एल्बर्ट मिशन स्कूल, एल्फ्रेड मिशन स्कूल जी। बताइए, जी बिल्कुल ठीक है, एल्बर्ट मिशन स्कूल। कौन सा स्कूल था उनका? एल्बर्ट मिशन स्कूल। यही जाके एल्बर्ट मिशन कॉलेज बन जाता है, जहां पर कृष्णन और चंद्रन आगे जाके टीच करते हैं। एक है बीए जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है उसमें, और एक है द इंग्लिश टीचर में। चलिए, हु गेव इंट्रोडक्टरी एसे इन स्वामी एंड फ्रेंड्स? किसने इंट्रोडक्टरी एसे दिया है स्वामी एंड फ्रेंड्स में? ग्राहम ग्रीन, ईएम फोस्टर, जीवी शॉ, डीएच लॉरेंस, किसने दिया है? जी, किसने दिया था बच्चे? ग्राहम ग्रीन ने। किसने दिया था? ग्राहम ग्रीन ने। चलिए, हु इज द नैरेटर ऑफ द शैडो लाइंस? इसमें नैरेटर कौन है? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको नहीं आता होगा, तो वो चीज मैं बता दूं, त्रिदीप नहीं है, थामा नहीं है, इला नहीं है। कौन है? एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको हम नैरेटर के नाम से ही जानते हैं। वो कलकत्ता में पला बड़ा है, उसको हम नैरेटर ही बोल रहे हैं स्टोरी में। ओके, त्रिदीप नैरेटर का फेवरेट अंकल है, थामा नैरेटर की माँ है, इला से नैरेटर प्यार करता है। चलिए मैच करिए बच्चे कैरेक्टर्स के साथ उनके नॉवेल्स। पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है जब कैरेक्टर्स के साथ उनके नॉवेल्स मैच करवाए जाते हैं। यस, आंसर आने शुरू हो गए हैं। मूर्ति था बच्चे कांथापुरा में, ठीक है। मैं पेन चेंज करती हूँ, चलो। रामास्वामी किसमें था? सर्पेंट एंड द रॉक में। कृष्ण पाई किसमें है? कैट एंड शेक्सपियर में। और समरेंद्र बासु किसमें है? सो मैनी हंगर्स में। समरेंद्र बासु है जो वो मतलब किसका वर्क है? भवानी भट्टाचार्य का, ठीक है। किसका है? भवानी भट्टाचार्य का वर्क है ये। यस, ठीक है, ये न्यू है आपके लिए। सो मैनी हंगर्स किसका वर्क है? भवानी भट्टाचार्य का। बाकी तीनों बिल्कुल ठीक हैं। यस, चलिए द इंग्लिश टीचर इज पब्लिश्ड इन, ये बताइए ये थर्ड वो नॉवल था अपने आरके नारायण का, उनकी ट्रिलोजी का थर्ड पार्ट था ये। बट ये पब्लिश कब हुआ था? डेट पूछी गई है 35, 37, 38, 45। रिलेट करवाया था मैंने, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। यस, 45 में याद करवाया था आपको। 1939 में राजम की डेथ हो जाती है, आरके नारायण की वाइफ की। उन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था। यस बच्चे, नॉवेलिस्ट और उनके वर्क्स को मैच करिए। मनोहर मालगोनकर, भवानी भट्टाचार्य, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, उनके वर्क्स को मैच करना है आपको। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुल्कराज आनंद का है टू लीव्स एंड बर्ड, अनीता देसाई का है वॉइसेस इन द सिटी, मनोहर मालगोनकर है अ बैंड इन द गैंजेस, एंड भवानी भट्टाचार्य है शैडो फ्रॉम लद्दाख। ओके, चलिए। Who was a phantom of delight for Krishna? कृष्णा किसमें था? द इंग्लिश टीचर में। उसमें phantom of delight कौन है कृष्णा के लिए? सुशीला, लीला, राजम और हेमा। कौन है phantom of delight कृष्णा के लिए? वेरी गुड, वो उनकी वाइफ है। सुशीला से वो बहुत प्यार करते हैं, सुशीला की डेथ हो जाती है इन्फेक्शन से। यस, घरवाली है उनकी। यस, बताइए एक डेथ होती है, एक डिसीज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, वो क्या नाम था? रिजल्ट में जो डायग्नोसिस करवाया जाता है, रीजन क्या होता है फिर डेथ का? यस, लीला उनकी डॉटर है। वेरी गुड, स्तुति। बच्चे टाइफॉइड होता है, डायग्नाइज करवाते हैं तो पहले रिपोर्ट्स में मलेरिया आता है, बट फिर से दोबारा डॉक्टर सेकंड टाइम ओपिनियन लेता है तो टाइफाइड निकलता है। विच इज नॉट अ नॉवल बाय अनीता देसाई, कौन सा नहीं है? नॉवल नहीं है, नॉवल। सारे ही वर्क्स अनीता देसाई के ही हैं। नॉवल कौन सा नहीं है? मतलब इसमें एक स्टोरी है। स्टोरी कौन सी है ये बताना है आपको। क्राई द पीकॉक, वॉइसेस इन द सिटी, बाय बाय ब्लैक बर्ड, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। जी, यस, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उनका, ठीक है। चलिए आगे है। मुल्कराज आनंद हैड अ फ्रेंडशिप विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। किस ग्रुप के साथ मुल्कराज आनंद की फ्रेंडशिप थी? सेल्टिक रिवाइवल ग्रुप, बीट जनरेशन ग्रुप, ब्लूम्सबेरी ग्रुप या आयरिश थिएटर ग्रुप? यस, क्या नाम था बच्चे? ब्लूम्सबेरी ग्रुप। क्या नाम था? ब्लूम्सबेरी ग्रुप था। यस, चलिए। विच निकनेम डिड राजू हैव एट द रेलवे? राजू को रेलवे में, द गाइड में, द गाइड था आरके नारायण का, उनको क्या बोलते थे राजू को? निकनेम राजू ऑफ द रेल्स, रेलवे राजू, रेलवे राज, रेल राज। दीक्षा इतने खतरनाक फेस बना रही है। यस, रेलवे राजू बोलते थे उनको, क्या बोलते थे? रेलवे राजू, सॉरी। चलिए, सरोजिनी नायडू डाइड ऑफ, सरोजिनी नायडू की कैसे डेथ हुई? नेचुरल हो गई, हार्ट अटैक हो गया, निमोनिया हो गया, या उन्हें फीवर हो गया था? बताइए बच्चे, क्या हो गया था सरोजिनी नायडू को? यस, उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। 1949 में उनकी डेथ हो गई थी। तो डेट्स जैसे मुझे रटी हुई है ना, आपको भी वैसे ही रटनी है। मेरे को किसी बच्चे से ये शिकायत ना हो कि मैम हमें डेट्स नहीं याद होती हैं, ठीक है। संदीप जी कह रही है मैम चाय पी लो। बच्चे, मैं चाय पी के ही बैठी हूँ आपको पढ़ाने, बट देखो 1.25 घंटे हो गए हैं, 6 बजने वाले हैं, बट अभी भी हमारे क्वेश्चंस पड़े हैं। तो देखो पेपर में भी 3 घंटे लग जाते हैं, है ना। 3 घंटे का एग्जाम होता है, कोई बात नहीं, हम भी पेपर ही तो कर रहे हैं अपना। हर विच बुक वॉन द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1997? किसको अवार्ड मिला था? हर से आप देखेंगे कि नॉवेल्स किसके हैं तो आपको पता लग जाएगा। मैन बुकर प्राइज किसकी बात हो रही है? मैन बुकर प्राइज किसकी बात हो रही है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। कौन है ये? अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। यस, बस आप लोगों को यही करना है। आपको दिख रहा है कि अगर मैं भी 1.25 घंटे से आपका पेपर सोल्व करवा रही हूँ, ये आपका 150 मार्क्स का पेपर ही तो है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सबके साथ शेयर करनी है वीडियो, स्टेटस में वीडियो डालनी है व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, और आजकल एक फेस टाइम करके भी जो एक वो समथिंग ऐप होती है, स्नैपचैट, वहाँ पर भी लिंक डालो। हर जगह लिंक डालो हमारी वीडियो का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। प्लस जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं वो हमारे साथ ही कनेक्टेड हों, ताकि हम उनके साथ भी जर्नी स्टार्ट करें अपनी। सुशीला को क्या हुआ था? टाइफाइड, ठीक है। जो बच्चे अभी पहले मलेरिया बता रहे थे, तो अब उनको रिवाइज हो गया कि ये मलेरिया नहीं है, ये टाइफाइड हुआ था सुशीला को। विच इज नॉट द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलोजी ऑफ आर.के. नारायण? आर.के. नारायण की ट्रिलोजी में से कौन सा एक इसमें से गलत है? बताइए, ABCD कौन सा गलत है? यस, डार्क रूम गलत है, डार्क रूम नहीं है। यस, इसमें सावित्री होती है डार्क रूम में, है ना। सावित्री है, उसके पति को ऑफिस में कहीं चक्कर चल रहा है, इसके 3 बच्चे हैं, ये 3 है। ये ट्रिलोजी थी आर.के. नारायण की, ठीक है। इसमें स्वामी है, इसमें चंद्रन है, इसमें कृष्णा है। कृष्णा की बीवी है सुशीला, और चंद्रन प्यार करता है मालती से, पर शादी सुशीला से होती है। स्वामी एंड फ्रेंड्स तो बच्चों की है कहानी, एक स्कूल गोइंग एज के स्टूडेंट्स की कहानी है। चलिए, नारायण ट्राइड हिज हैंड एट अ जर्नल, नारायण के जर्नल का नाम बताना है। योजना, मार्ग, टुमारो, इंडियन थॉट। नारायण के जर्नल का नाम बताइए जी। यस, इंडियन थॉट। क्या नाम है? इंडियन थॉट। द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल, प्रोटैगनिस्ट है द शेडो लाइंस का, वो कौन है? कौन है? नैरेटर नहीं पूछा, पर प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है। मे प्राइज, दत्ता चौधरी, त्रिदेव जेठामोशाय जी। यस, मार्ग मुल्क राज आनंद का था, योजना खुशवंत सिंह का था, वेरी गुड जी। टुमारो राजा राव का था। टुमारो भी तो बताइए, भूल गए हैं वो। टुमारो राजा राव का था। यस, क्या है? त्रिदिव है जो नैरेटर है, ओके, और त्रिदिव है, सॉरी, प्रोटैगनिस्ट है। यस, स्टोरी ऑफ अनटचेबल इज सेट इन, स्टोरी कहाँ सेट हुई थी अनटचेबल की? बुलंदशहर, अमृतसर, होशियारपुर या असम? बताइए, जो जो लोकेशंस हैं वो भी बता देना। यस, बुलंदशहर में अनटचेबल था, अमृतसर किस में था? द बिग हार्ट में, है ना, ठीक है ना, बिल्कुल। होशियारपुर में क्या था? द टू लीव्स एंड अ बर्ड। असम में भी यही सेम लोकेशन है, टू लीव्स एंड अ बर्ड की। यस, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय टैगोर। टैगोर का वर्क कौन सा नहीं है बताना है, नहीं बताना नहीं। देखो, चंडालिका, रेड ओलियंडर्स, मुक्तधारा या वासवदत्ता। यस, शीनम जिंदल कह रही हैं कि असम की अरुंधति रॉय भी थी। अरुंधति रॉय का जन्म असम शिलोंग में हुआ था। यस, वासवदत्ता नाम है बच्चे, वासवदत्ता। वासवदत्ता इनका नहीं था, ये तीनों ही टैगोर के वर्क्स हैं। वासवदत्ता टैगोर का नहीं है, ठीक है। चलिए, इट इज टू इंडियन फिक्शन व्हाट टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस इज टू रशियन। लियो टॉल्स्टॉय थे, वो रशिया के फेमस राइटर हैं। उनका जैसे वॉर एंड पीस रशिया के लिए एक फेमस वर्क था, वैसे ही इनमें से एक वर्क है वो इंडियन फिक्शन के लिए बहुत मशहूर है, इंडियन एज अ इंडियन फिक्शन। टैगोर का था ये, कौन सा था? द रेक, गोरा, होम एंड द वर्ल्ड या गीतांजलि, बताइए। जी ट्राई करिए, कोई बात नहीं, ट्राई करिए। नहीं बच्चे, एक बार ये हम इसको डाउट में रख लेते हैं। अगर आप लोग सारे होम एंड द वर्ल्ड को आंसर कर रहे हो, बट गोरा भी हो सकता है आंसर में, एक बार चेक कर लेंगे। मुझे भी होम एंड द वर्ल्ड पे डाउट ज्यादा है कि ये हो सकता है आंसर, बट फिर भी एक बार गोरा को भी चेक कर लेंगे हम, ठीक है। गोरा को भी चेक कर लेंगे क्योंकि गोरा भी लग रहा है मुझे कि सही आंसर रह सकता है गोरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं 97 नंबर को। चलिए, विच ईयर द गाइड वॉज रिटन। रिटन पूछा है, अवार्ड दिया हुआ नहीं पूछा। ध्यान से देख लो, 60, 80, 59, 58 कब मिला था, कब अवार्ड, सॉरी कब लिखा गया था द गाइड। यस, 58 में। अब मुझे बताओ कैसे नहीं डेट्स याद होती है आपको, है ना। आप लोगों को तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे देती, फिर भी चीजें याद हो जाती होती है, नहीं जी। बच्चे कोई एक जना अभी डाउट क्लियर कर लो, बाद के लिए क्या ही रखना। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप उसको गूगल करके एक बार अभी के अभी आंसर क्लियर कर लेंगे, कोई एक जना कर लो। हरमन आप कर लो, ठीक है। हरमन हमारे क्लास की मॉनिटर है, ये चीज मैंने पहले भी बोला था आपको। हरमन प्लीज एक बार टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस जो रशिया से कंपेयर करते हैं, कौन सा इंडियन फिक्शन है जी, एक बार ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा डाउट जी। धर्मपाल जी भी हैं, दो मॉनिटर्स हैं हमारे क्लास के, हरमन भी है, धर्मपाल जी भी है लड़ाई नहीं करनी। ए टेल ऑफ इंडिया इज द सबटाइटल ऑफ, ये किसका सबटाइटल है? टेल ऑफ इंडिया। कॉमरेड किरिलोव, कांतापुरा, चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, द कैट एंड शेक्सपियर। यस बच्चे आप भी हैं, धर्मपाल जी आप भी हैं, हाँ दोनों मॉनिटर हो। यस दोनों ही चेक करके बताओ। यस, कैट एंड शेक्सपियर का ये सबटाइटल है, द टेल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये राजा राव के वर्क्स हैं। ऑटोबायोग्राफी कौन सी है आर के नारायण की? ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? माई डेज, सेवन समर्स, क्लियर लाइट ऑफ डे, द सर्पेंट एंड द रोप। यस गुरदीप जी, गुरदीप जी का ये पहला आंसर आया लगे मुझे। पहले गोरा है ना, दीक्षा कह रही है गोरा आंसर है। दो तीन बच्चे एक बार और चेक कर लो, हम फिर भी गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम डाउट नहीं रखेंगे। एक बार और दो तीन बच्चे और चेक कर लो कि उसका आंसर गोरा आएगा। टॉल्स्टॉय वाले क्वेश्चन का 97 नंबर क्वेश्चन था, चेक कर लो। यस, माई डेज आंसर है इसका। आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी है, 1973 में आई थी जी। लैंग्वेज इज यूज्ड इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में? मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, उड़िया। ओके गुरदीप जी आप आंसर कर रहे हो, आप थोड़ी सी इमोजी कनेक्ट कर दिया करो अपने आंसर के साथ, चीज ना आंखों के आगे आसानी से आ जाती है। नहीं तो बहुत तेज तेज नाम चलते हैं कमेंट सेक्शन में, पता नहीं चलता किसका आंसर आया है। जरा सी एक इमोजी रख लो, वो आप देते रहा करो। यस, मलयालम का वर्क था ये। यस, मलयालम लैंग्वेज है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की है, इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है। यस, अभी भी हरमन कह रही हैं कि 97 वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर गोरा आएगा। ठीक है, गोरा आएगा उसका। यस, मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि एक बार, क्योंकि मुझे भी, मैंने कहीं ना कहीं गोरा आंसर पढ़ा था, तो आप सब एक ही लैब में होम एंड द वर्ल्ड आंसर कर रहे थे, तो मैंने कहा एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गलत हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो। चलिए, हु वॉन द गार्डियंस चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज इन 1983? हु, अच्छा, हु की जगह पे विच नॉवल, मतलब विच नॉवल आना था, कौन से नॉवल को मिला था गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज? द विलेज बाय द सी, बॉमगार्टन्स, बॉम्बे, जर्नी टू इथाका, फास्टिंग फीस्टिंग। जी, ममता का सही था। यस, ममता बिल्कुल ठीक है आप। जी, विलेज बाय द सी, विलेज बाय द सी का ये है द गार्डियंस चिल्ड्रन प्राइज, ये इसका वो था सबटाइटल, एन इंडियन फैमिली स्टोरी। ठीक है, ये इसका सबटाइटल था और इसको प्राइज मिला था 1983 में। ये किसका था? अनीता देसाई का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ टैगोर वॉज रिटन ओरिजिनली इन इंग्लिश? पहला वर्क, देखो टैगोर जी सारे वर्क्स बंगाली में देते थे, बट इनका पहला वर्क था जो उन्होंने टैगोर ने इंग्लिश में दिया था। ठीक है, इंग्लिश में दिया था, पहली बार इंग्लिश में दिया, बाद में बंगाली में गया। वो कौन सा वर्क था? रविंदर जी का नेटवर्क इतना पीछे चल रहा है कि वो पता नहीं कौन से नंबर क्वेश्चन पे हैं और हम 103 नंबर कर रहे हैं। यस, द चाइल्ड, क्या आंसर है बच्चे? द चाइल्ड। ट्रिलोजी ऑफ मुल्कराज आनंद नॉवेल्स आर एक्सेप्ट, इसमें से एक है वो ट्रिलोजी नहीं है, बाकी सारी हैं, तो जो एक नहीं है उसको आप क्रॉस करिए। कौन सा वर्क नहीं है जो ट्रिलोजी में नहीं आता मुल्कराज आनंद का? जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इनका ट्रिलॉजी का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, बाकी तीनों हैं, ये ट्रिलॉजी का पार्ट नहीं है। चलिए, एक बार आपके कमेंट्स देख लूँ मैं, किसी ने कुछ। अलीशा कह रही हैं तभी मेरी बिल्कुल भी रिवीजन नहीं हो पाई, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, पर एक आधे क्वेश्चन को छोड़कर मेरे आंसर्स आ रहे हैं। ओके, अच्छा, अलीशा जी की रिवीजन नहीं हो पाई थी, बट फिर भी उनके सारे आंसर्स ऑलमोस्ट ठीक हैं। यही फायदा होता है जब आप लोग रेगुलर रहते हो क्लास में, है ना। जो स्टूडेंट्स रोज आते हैं क्लास में, रोज तैयारी करते हैं, उन लोगों को रिवीजन की भी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी क्लास में हम प्रैक्टिस ही इतनी अच्छे से कर लेते हैं। राइट, फर्स्ट नॉवल क्या था अनीता देसाई का? जी, क्राई द पीकॉक उनका फर्स्ट नॉवल था अनीता देसाई का। कौन थी इसमें लड़की? माया। पति कौन था? गौतम। माया गौतम को छत से धक्का मार देती है। यस, चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में अवार्ड कौन सी डेट में मिला था? बताइए, अवार्ड कौन सी डेट में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? जी, दीक्षा का तो इमोजी बड़ा खतरनाक है, ऐसे गाले खींच रही है कि मेरा आंसर देख लो। जी, संदीप कौर जी कह रही है कि मैंने भी रेगुलर क्लासेस लगाई हैं और रिवीजन का टाइम नहीं मिला, बट आंसर सारे ठीक हैं। यही है बच्चे फायदा रोज क्लास लगाने का। कोई दिन हो जाता है कि मान लो आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, कुछ टाइम हो जाता है आप लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हो, आप रिवीजन नहीं कर पाए, है ना, बट आपके फिर भी आंसर्स ठीक है, तो मतलब ये चीज़ काबिले तारीफ है कि आप रेगुलर क्लास में आते हो और अच्छे से पढ़ाई करते हो। यस, व्हाट इज द, हु इज द मेन हीरो ऑफ वेटिंग फॉर द महात्मा? ये आरके नारायण का बहुत ही अच्छा वर्क है। बच्चे इसकी वीडियो बड़ी ही फैंटास्टिक बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर। इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो इसमें एमसीक्यूज हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं इसमें। ऑलमोस्ट बहुत से नॉवेल्स ऐसे हैं जिनके मैं एमसीक्यूज करवाती हूँ, जो क्वेश्चंस मैं खुद बनाती हूँ प्रॉपर नॉवेल पढ़ के, ठीक है। चलिए, क्या नाम है बच्चे? श्रीराम। हीरोइन कौन थी? भारती। चंदा इकट्ठा करती है ना भारती सिल्वर बॉक्स में, 8 आने देता है श्रीराम उसको। याद आया किस तरीके से हमने प्रॉपर श्रीराम वाला ये वर्क किया हुआ है, छोटी से छोटी डिटेल करी हुई है इसकी। यस, जो कन्नी था वो एक शॉप चलाता है, जो उसकी दादी है वो उसको बोलती है कि 50 रुपए ही खर्चने हैं एक दिन के। यस। मालगुडी इज अ फिक्शनल टाउन एग्जिस्टिंग इन द स्टेट ऑफ, कहां पर है मालगुडी? बच्चे ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया, यहाँ पर चेन्नई आना चाहिए था, चेन्नई या मद्रास जी। यहाँ कोई बात नहीं, इसको इग्नोर। यहाँ हम स्टेट तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है, उसकी कैपिटल आप चेन्नई थी क्या पहले? नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा हो गया, चेन्नई आना चाहिए था या तमिलनाडु वो आना चाहिए था, मद्रास। ये रीजन अगर तमिलनाडु में आते हैं तो तमिलनाडु ठीक रहेगा फिर। चलिए, द शेडो लाइन्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, कौन से 2 भागों में डिवाइडेड था? शेडो लाइन्स। मूविंग अवे, कमिंग होम, द विंडो, टाइम पासिस। जो ये विंडो टाइम पासिस है ना, ये भी किसी के वर्क्स के पार्ट है। वर्जीनिया वुल्फ का था ना टू द लाइट हाउस, उसका चेक करना एक बार। मुझे याद आ रहा है कि ये टू द लाइट हाउस के शायद ये 2 पार्ट थे, बट फिर भी गलती हो सकती है, बट फिर भी मेरी मेमोरी में मेरे को ये कहीं ना कहीं बैठा है कि ये टाइम पासिस और विंडो है, ये टू द लाइट हाउस के पार्ट है। रीपिंग एंड गार्डनरिंग है, ये हार्ड टाइम्स था जो चार्ल्स डिकन्स का, उसके पार्ट्स थे। गोइंग अवे एंड कमिंग होम किसका है? द शेडो लाइन्स का, ठीक है। शेडो लाइन्स, तो डी आंसर करेक्ट है। चलिए, व्हेन साहित्य अकेडमी अवार्ड वाज गिवन टू द गाइड, अभी हम इसकी डेट पता करी थी, 58 में लिखा था, तो 2 साल बाद 60 में अवार्ड मिला था, ठीक है, 60 में अवार्ड मिला था। यस दीक्षा जी, सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग 3 पार्ट्स थे। यस, अच्छा मैसूर है वो, कर्नाटका आएगा, ठीक है। चलिए, माया इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ, माया किसमें होती है? अभी मैंने बताया माया, गौतम, ये कहाँ के थे, किस वर्क में से आते हैं ये जी? क्राई द पीकॉक किसमें आते हैं? ये फर्स्ट वर्क है अनीता देसाई का, ठीक है, अनीता देसाई का ये पहला वर्क है, क्राई द पीकॉक। चलिए, डॉक्टर एम.के. नायक अप्रोप्रिएटली कॉल्स डैश अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, किस वर्क को उन्होंने सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहा था डॉक्टर एम.के. नायक ने? जी वेरी गुड जस्ट सिमरत जी, अभी तक आप लोग क्लास में मेरे साथ बने हुए हैं, वैसे तो मैं भी आपके साथ बनी हुई हूँ, बट आपकी ज्यादा तारीफ होनी बनती है क्योंकि स्टूडेंट्स का पेशेंस जल्दी टूट जाता है क्लास में बैठने का। ये स्टूडेंट्स वही हैं जो लास्ट तक अभी क्लास में बैठे रहेंगे और पेपर में भी अव्वल नंबर लेके आएंगे। यस, मेरिट में आएंगे ये सारे स्टूडेंट्स जो एंड तक क्लास में रहेंगे। जो हौसला छोड़ देते हैं वो बोर हो जाते हैं पढ़ाई से और कुछ ना कुछ अपने काम में डूब जाते हैं। जो साथ साथ रिव्यू करते हैं, आंसर करते हैं, वो जुड़े रहेंगे और लास्ट तक पेपर भी क्लियर करेंगे। नैरेटर कौन था कांथापुरा का? कांथापुरा पहला वर्क था राजा राव का, इसका नैरेटर कौन था? मूर्ति अचक्का रंगम्मा श्रीनिवास। बहुत से बच्चे मूर्ति आंसर दे रहे हैं, स्तुति, अभिलाषा, रिजवाना। बच्चे नैरेटर कौन था? नैरेटर की बात हो रही है जी, अचक्का नैरेटर थी। अचक्का कौन था नैरेटर? अचक्का। जी हरमन तो बहुत मजाक करती है, कह रही ऐसी जिंदगी गवाई तेनू तरस ना आया। जी थैंक यू मनताज कौर। मनताज कौर स्ट्रिक्टली सबको बोल रही है कि लाइक करिए वीडियो। देखो बच्चे 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, हम जुड़े हुए हैं आपके साथ। आपको 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने हैं, 114 नंबर क्वेश्चन पर हैं हम। अभी भी 30 मिनट और लग जाएंगे, पर आप वीडियो जरूर लाइक करिएगा। एनर्जी बहुत आती है बोलने में, आप लोगों को तो चुप करके एक आंसर लिखना है। मेरी बोलने में एनर्जी बहुत आती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड त्याग दिया था, सर का टाइटल त्याग दिया था, उनको सर का खिताब मिला था। किस लिए? जलियांवाले बाग के कांड के लिए। कब हुआ था? 1919 में। यस, 1919 में, अप्रैल 1919, बैसाखी वाला दिन था जी। ए.के. रामानुजन की कौन सी कलेक्शन ऑफ पोएम 1966 में आई थी? 66 में कौन सी आई थी? यस प्रीत कमल जी, जॉर्ज V ने उन्हें नाइटहुड दिया था। वेरी गुड जी। जेफी गोयल, ममता बिल्कुल ठीक है आप। यस, द स्ट्राइडर्स आई थी। वेरी गुड जससिमरत, स्तुति। यस, द स्ट्राइडर्स आई थी, उनकी कविता जो 1966 में थी। 1984 में इन कस्टडी आया था, जो अनीता देसाई, सॉरी, किसका वर्क था? जो उर्दू पोइट के डिक्लाइनिंग डेज के ऊपर था, उर्दू पोइट के डिक्लाइनिंग डेज के ऊपर था। बस इन कस्टडी किसका है, बस आपको ये ध्यान देना है, इन कस्टडी किसका था? अरुंधति रॉय, सरोजिनी नायडू, अमिताभ धारकर, अनीता देसाई। जी किसका था? अनीता देसाई का। वेरी गुड, वेरी गुड। टोटो इज अ डॉग मेंशन्ड इन विच नॉवल? टोटो किसका डॉग था जो मर जाता है? वो डिप्रेस रहती है लड़की बहुत, उसका कुत्ता भी मर जाता है। वेरी गुड रिंकी, सोनिया, नितिका। जी टोटो किसका डॉग था? माया का। यस यस स्तुति, बिल्कुल ठीक है आप। जी आप लोगों को समरी की पीडीएफ दे दी गई थी ऐप के अंदर, आप वहां से रीड कर सकते हैं सारी स्टोरी। यस, क्राई द पीकॉक बिल्कुल सही आंसर है, क्राई द पीकॉक। समरीज के जो फॉन्ट है वो भी बड़े करके दिए हैं ताकि आपको आईज में स्ट्रेन ना हो, ठीक है। Who translates Hindi into Tamil the lectures delivered by Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी ने किसमें लेक्चर दिए थे? Waiting for Mahatma में, जो R.K. नारायण का वर्क था, उसमें जो ट्रांसलेट करता है सारी स्पीच गांधी की, कौन करता है? नतेश, जगदीश भारती या श्री राम? क्या डिस्टिंग्विश करना है बच्चे, मुझे समझ नहीं आई संदीप जी, रुकिए। वेरी गुड, मैं सिर्फ धर्मपाल जी के लिए क्लैप करना चाहूंगी इस क्वेश्चन में, सिर्फ धर्मपाल जी के लिए क्लैपिंग होगी और किसी के लिए भी नहीं जी। सब गलत है, सब गलत है। ओनली क्लैप। Oh, why did you delete your answer? बच्चे नातेश सही है, बिल्कुल नातेश बिल्कुल सही है। नातेश बिल्कुल सही है आंसर। नातेश है जो महात्मा गांधी की स्पीचेस को डिलीवर करता था तमिल में कन्वर्ट करके। भारती क्यों आंसर कर रहे हो? कहां से देख के आए हो भारती? भारती नहीं है, नहीं है भारती। पेपर में कंफ्यूज हुए ना, फिर देखना। जी नहीं नहीं प्रीत कंवल जी, भारती नहीं है। भारती सिर्फ अपने श्रीराम को स्पिनिंग सिखाती है, ठीक है। Whose novel The Inheritance of Loss won 2006 Man Booker Prize? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर प्राइज किसको मिला था? किरण देसाई, काजोल देसाई, कृति देसाई, कृषा देसाई। जी क्या आंसर है? यस, किरण देसाई हैं, 2006 में मैन बुकर प्राइज मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। यस यस, कृषा तो मेरी बेटी है पर वो देसाई नहीं है। यस चलिए, हु गेट्स मूर्ति एक्सक्यूमनिकेटेड, मूर्ति को सोसाइटी से निकलवाया किसने था, किसने मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस किया था कि मूर्ति को गांव से निकाल दिया जाए। भट्टा, रंगे गावड़ा, वेनकम्मा, रचन्ना, बताइए। ओनली 30 क्वेश्चन आर लेफ्ट, जल्दी जल्दी बताइए। यस, भट्टा था जो बहुत ही गंदा इंसान था ये, इसने मूर्ति को एक्सकम्युनिकेट करवा दिया था जी। अनीता देसाई वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978 फॉर व्हाट, किसके लिए मिला। 1977 में इनका वर्क आया था फायर ऑन द माउंटेन, इन्हीं के लिए ही इनको 1978 में अवार्ड मिला था। यस, साहित्य अकादमी अवार्ड। चलिए, हाउ मैनी टाइम्स, टाइम्स बताना है, ये नहीं पूछा कौन कौन से नॉवेल्स हैं। हाउ मैनी टाइम्स अनीता देसाई नॉवेल्स shortlisted for Booker Prize, how many times, 4 times, 3 times, 2 times, 1 time। जी दीक्षा, very good, yes, 3 times, in custody, clear light of day and fasting feasting। कांथापुरा was published in, कब आया था बच्चे कांथापुरा, डेट बता दो कांथापुरा की। 36, 38, 35, 39। जी वेरी गुड, 1938 में आया था राजा राव का पहला वर्क कांथापुरा, समझे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अनीता देसाईज फर्स्ट नॉवल, ये हम कर चुके हैं बहुत बार। क्राई द पीकॉक आंसर आएगा। 19 कितना आएगा, 63 आएगा। एक बार डेट कंफर्म करना, मुझे तो 63 याद आ रहा है बट आई माइट बी रॉन्ग, एक बार बता दो। शुक्र है, चलो बस काला टिक्का ला के बैठा मैं कल तो। प्रीफेस टू गीतांजलि इज रिटन बाय, प्रीफेस टू गीतांजलि इज रिटन बाय, W.B. येट्स, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, P.B. शेली। बहुत बेसिक है मुझे पता है बट जब पेपर में मिलेगा तब मजा आएगा। इन 150 क्वेश्चंस में से जो 10 क्वेश्चंस बनते हैं, 10 टू 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके मास्टर कैडर में, जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस इन 150 क्वेश्चंस में से निकल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आएंगे पेपर में तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। W.B. येट्स के खास फ्रेंड थे टैगोर, उन्होंने प्रीफेस दिया था गीतांजलि। बच्चे गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था गीतांजलि को। सॉन्ग्स ऑफरिंग्स टाइटल था जो, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन का है, वो किसने ट्रांसलेट किया था जी, बताइए बताइए। थैंक यू हरमन, हरमन कह रही है मैम 2 घंटे हो गए, पहली बार असी इतनी लंबी क्लास च बैठे हाँ। बच्चे आप लोगों का भी पेशेंस है, आप क्लास में बैठे हो। देखो जब 150 क्वेश्चंस, अच्छा उसका आंसर टैगोर आएगा, सॉरी हाँ वो टैगोर ने ही इंग्लिश ट्रांसलेशन दी थी, ठीक है। बच्चे 2 घंटे हो गए हैं क्लास में, हम सबको पता है। जब आप लोग 150 क्वेश्चंस एक्चुअल में भी कर रहे होगे वहां पर स्क्रीन के सामने बैठे, तब भी तो आप लोग 3 घंटे बैठोगे ना, है ना, तब भी तो 3 घंटे बैठोगे तो पता भी नहीं चलेगा तब 3 घंटे कहाँ गए। आज भी अभी 2 घंटे हो गए हैं, आई थिंक आप लोगों को बोरियत नहीं फील होगी, बोर तो नहीं हुए हैं अभी तक क्लास में जी। विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग A.K. रामानुजन, उसका फुल नेम आतिपते कृष्ण स्वामी रामानुजन था, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पीएचडी की थी, अच्छी बात है की थी। हाइफन बोलते थे अपने आप को, अच्छी बात है। बट उनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1989 में नहीं मिला था, 1999 में मिला था द कलेक्टेड पोएम्स के लिए, ठीक है, द कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था जी। स्तुति कहती है कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की क्यूरियोसिटी है कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा। जी। Which of the following is Desai's latest novel? अभी हमने पीछे इनका फर्स्ट नॉवल पढ़ा कि वो आएगा क्राई द पीकॉक 1963 में। देसाई का लेटेस्ट नॉवल कौन सा था? बच्चे पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस बार वाला मास्टर कैडर आपका ऑनलाइन होगा, पूरे पूरे चांसेस हैं जी। यस बी जर्नी टू इथाका उनका लेटेस्ट कलेक्शन है, लेटेस्ट वर्क है। बाकी सारे वर्क्स के अकॉर्डिंगली जर्नी टू इथाका उनका लेटेस्ट वन है। मैच द कॉलम्स नॉवेल्स विद देयर सेटिंग्स। आप लोग ये चीज देख रहे हो कि कैरेक्टर्स के साथ नॉवेल मैच करवाए, सेटिंग के साथ करवाए, हीरो और हीरोइन कैरेक्टर्स के साथ हमने नॉवेल्स मैच करवाए हैं, है ना। तो ये चीजें मैच कॉलम पेपर में जरूर आती है। चलिए अब आप इसकी सेटिंग के साथ मैच करिए। कलकत्ता में कलकत्ता क्रोमोसोम ही था, राइट। ढाका में क्या था? जेठामोशाए, अमिताभ घोष, शैडो लाइंस। सुंदरबन में क्या था? टाइड, हंगरी टाइड। सुंदरबन के डेल्टा से हमने याद करा है बे ऑफ बंगाल, है ना, हंगरी टाइड्स। मलाया और बर्मा में क्या था? द ग्लास पैलेस, ठीक है जी। It presents the theme of alienation and East-West clash. अभी अभी बताया था alienation किसको फील होती है? जो बंदे इंग्लैंड चले जाते हैं बसने के लिए, इंडिया छोड़ के, उनको alienate फील होता है। बताइए प्रीत कंवर जी आंसर कर रही है कि मेरे को बाय बाय करके जा रही हैं। यस बाय बाय ब्लैक बर्ड, क्या आंसर आएगा? बाय बाय ब्लैक बर्ड 1971 में आया था। यस मुझे बाय बाय मत करना, अभी थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। डैश बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स ऑफ कैलकटा, किनके बारे में है ये? वॉइसेस इन द सिटी, इन कस्टडी, जर्नी टू इथाका, फास्टिंग फीस्टिंग। बताइए ये वर्क किसका है, किसके बारे में है? कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल्स के बारे में है। बताइए कलकत्ता सिटी कौन से वाले वर्क में आई थी? जी बताइए। स्तुति बिल्कुल ठीक है, स्तुति प्रीत बिल्कुल ठीक है, ममता, संदीप कौर, थैंक यू संदीप कौर जी, क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। यस अनीता देसाई का था वॉइसेस इन द सिटी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आप। ऐसे ही बिल्कुल ठीक आप आंसर्स करेंगे जब आप पेपर में बैठेंगे और मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी, है ना। आपको लगेगा ये तो शीनम मैम ही आंसर करवा रही हैं, आपको स्टोरीज कनेक्ट कर पाओगे आप एक दूसरे के साथ। हु गेव नेम टू भारती, ये जो श्री राम वाली भारती थी वेटिंग फॉर महात्मा में, उसमें भारती का नाम भारती किसने दिया? भारती के पापा की डेथ हो चुकी थी, इनको अडॉप्ट कर लिया था, इनको भारती नाम किसने दिया? हिज फादर, सेवक संघ मेंबर्स, वॉलंटियर्स या महात्मा गांधी? जी मनताज जी वेरी गुड, आप फिर से 1 करोड़ जीतती है। यस महात्मा गांधी ने आंसर किया था। मनताज अपने साथ चाबी और ताला भेजती है कि मैम मेरा आंसर लॉक किया जाए और आंसर बताया जाए और मुझे पैसे दे दो। जी नॉवेल्स और उनकी डेट्स बच्चे मैच करो, नॉवेल्स और उनकी डेट मैच करो। सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइंस, फ्लड, हंग्री टाइड, फ्लड ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक, डेट्स मेंशन करिए। जी मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ फिर से। हाँ जी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है जी। चलिए मैच करते हैं, चलिए आते हैं। अपना आ गया हंग्री टाइड, सर्कल ऑफ रीजन, सर्कल ऑफ रीजन का क्या लिख रहे हो? 1986, वेरी गुड। और शैडो लाइंस का तो 88 है क्योंकि 89 में इसको अवार्ड मिला था, हमें ये पता है। हंग्री टाइड 2004 है, फ्लड ऑफ फायर बिल्कुल लास्ट वर्क था उनका 2015 और रिवर ऑफ स्मोक था 2011। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक है ना ये। ये आप लोग सी का 2004, यस दीक्षा कंबोज का बिल्कुल ठीक है, मेरे आंसर्स के साथ मैच हो रहा है जी जी। गुरदीप का भी बिल्कुल ठीक है, यस। चलिए आगे है क्वेश्चन, इन वॉइसेज इन द सिटी द एक्शन टेक्स प्लेस इन द सिटी ऑफ। इसमें जो सिटी है वो सिटी कौन सी है, किस सिटी की आवाजें हैं? दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास? किसकी आवाजें हैं? सिटी बताइए। यस क्या है आवाज? यस कोलकाता, वेरी गुड। कौन सी सिटी की बात हो रही है? कैलकटा की, उसमें आर्टिस्ट जाते हैं अपना करियर आजमाने के लिए। यस। मैच द कैरेक्टर्स विद नॉवेल्स इन विच दे अपीयर। माया, मोनिशा, सीता और तारा, ये चारों कैरेक्टर्स किन चारों नॉवेल्स में आई हैं? मैच करिए बच्चे। वन 134 नंबर क्वेश्चन पर हैं हम, 150 क्वेश्चंस करवाने हैं आज की क्लास में। वेरी गुड हरमन। देखो हरमन को मेरी शायद कही हुई बातें दिमाग में गूंज रही हैं। हरमन कह रही है जैसे एक्टर बनने मुंबई जाते हैं वैसे ही वो लोग कैलकटा गए थे। तो ये स्टोरी मैंने अनीता देसाई की क्लास में करवाई थी, बाय चांस वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई तो हम कल ये दोबारा करेंगे अनीता देसाई, ठीक है। हम आप अगर नोट कर रहे हैं तो हमने कितने टाइम से संडे की छुट्टी भी नहीं की है ना जी। माया है क्राई द पीकॉक की। मोनिशा कहाँ से है? मोनिशा वॉइसेज इन द सिटी की, ये निरोध और अमला की बहन है। सीता कहाँ से है? सीता वेयर शैल वी गो दिस समर। सीता मैंने बताया था प्रेग्नेंट है, बेबी डिलीवर करना है तो वो नेचर के पास जाना चाहती है। तारा कहाँ से है? क्लियर लाइट ऑफ डे से, ठीक है, क्लियर लाइट ऑफ डे से। चलिए, Which book is loosely based on the life and times of Sir Ronald Ross, Nobel Prize winning scientist? साइंस की बात हो रही है, इसमें इन्होंने मलेरिया के ऊपर सर्च करी थी। रिसर्च किस पे की थी? मलेरिया के ऊपर। तो मलेरिया टाइप की चीज हमने किस नॉवल में रीड करी है बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे सही आंसर करते हैं बहुत अच्छा फील होता है कि यस आपने अच्छे से स्टोरी लाइन समझी है मुझसे। द कैलकटा क्रोमोसोम इज राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए, द शेडो लाइन्स अपीयर्ड इन, पब्लिश्ड इन, कब आया था शेडो लाइन्स? बच्चे पब्लिशिंग डेट पूछी है, अवार्ड डेट मत बताना। अब यहाँ पर अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो नहीं बताना है, पब्लिशिंग डेट बतानी है जी, 1988, ठीक है, 1988 में। यस। राजा राव कब डेथ हुई राजा राव की? ये वही दिन है जब हमने पहली बार राजा राव खोला था अपनी क्लास में, राजा राव पहली बार रीड किया था उसी तारीख को, है ना। और आज हम राजा राव को अपने सामने पा रहे हैं। यस, वेरी गुड रिंकी जी, हरमन, रवीना, रुपिंदर, अभिलाषा, दीक्षा। यस दीक्षा ऐसे कर रही है दीक्षा। यस 8 जुलाई 2006 को राजा राव की डेथ हुई थी। 8 जुलाई को हमने पहली बार राजा राव रीड किया था, 2006 में ये इनकी डेथ हुई थी और 2007 में इनको पोस्टुमसली अवार्ड भी मिला था, ठीक है, पोस्टुमसली अवार्ड भी मिला था 2007 में, एक साल के बाद। यस, हमने उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। यस, वेरी गुड ममता, उनकी डेथ ऑस्टिन में, टेक्सास में हुई थी। यस। द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल वाज रिटन बाय, अनटचेबल का बच्चे प्रीफेस किसने दिया है बताइए? ईएम फोस्टर, टीएस एलियट, ग्राहम ग्रीन या जॉर्ज ऑरवेल जी। वेरी गुड शीनम, अभिलाषा, रिजवाना, यस, नवजोत, स्तुति जी। यस, ईएम फोस्टर, इनका पूरा नाम था एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। यस जेफी, यस जेफी हमारी क्लास में आई थिंक न्यू है। जेफी आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? आर यू एंजॉयिंग इट जी? यस, तुति के नेटवर्क को नजर लग गई है। यस, दीक्षा ने 5G लाइक मुझे लग रहा है 5G इंस्टॉल करवाया हुआ है, रिचार्ज महंगे वाला करवाया हुआ है दीक्षा ने। सबसे पहले आंसर आते हैं इसके। अनीता देसाई की डॉटर है, उनको बुकर प्राइज मिला था 2006 में, किरण देसाई को। अनीता देसाई बहुत प्राउड हुई थी कि मेरी बेटी को अवार्ड मिला है। इनके खुद के वर्क्स अनीता देसाई के बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट होते रहे हैं 3 बार। तीन अलग अलग वर्क्स 3 अलग अलग बार शॉर्टलिस्ट होते रहे। बट इनकी बेटी है जो पहले बार में मैन बुकर प्राइज जीत आई थी 2006 में, ठीक है। What was the maiden name of अनीता देसाई? शादी से पहले अनीता देसाई का क्या नाम था? जी, क्या नाम था अनीता देसाई का? जी अनीता, सॉरी, क्या नाम था अनीता, ये लास्ट ऑप्शन है डी, अनीता मजूमदार नाम था। इनके फादर का नाम था DN मजूमदार। इनकी जो मदर थी मजूमदार, जो इनकी मदर थी वो जर्मन की थी, तो उनकी मदर का नाम था टोनी नामी। ओके। डैश मैगजीन 1946 इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के बच्चे, मैगजीन का नाम बताना है यहाँ पर। क्राइटेरियन, मार्क, द इंडियन क्वार्टरली, क्वेस्ट मैगजीन। यस, 10 क्वेश्चन रह गए हैं, अभी तो 9 रह गए हैं सिर्फ। फटाफट बताते जाइए, 6:30 तक क्लास ओवर हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका ठीक है। यस, मार्क क्या है आंसर? मार्क 1946 में आया था, ये डेट याद रखनी है आपको। विच बुक वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज 2008? पहले तो बताओ ये सारे वर्क्स किसके हैं, और देन बुकर प्राइज 2008 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था ये वर्क। सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड। यस, वेरी गुड, ये अमिताभ घोष के वर्क्स हैं। वेरी गुड जी, सी ऑफ पॉपीज इज राइट आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सी ऑफ पॉपीज सही आंसर है। विच इज नॉट एन एबिस्ट्रोलॉजी, इसमें से एबिस्ट्रोलॉजी किसकी नहीं है? सी ऑफ पॉपी कौन सी नहीं है? सी ऑफ पॉपीज, ग्लास पैलेस, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, कौन सी है जो एबिस्ट्रोलॉजी नहीं है बच्चे? यस, ग्लास पैलेस नहीं है, बाकी सब है। इनको ग्लास पैलेस के लिए आई थिंक ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था। बच्चे फिर भी एक बार चेक कर लेना, मेरे को सिर्फ अपनी मेमोरी पर यकीन है तो मैं आंसर बोल देती हूँ, बट आप लोग रिवाइज करते रहते हो तो आपको याद होगा। मैं तो जब पीपीटी बनाती हूँ तब मुझे चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, आप लोग तो मुझे सुनते हो फिर रिवाइज करते हो फिर टेस्ट भी देते हो, है ना। बट फिर भी एक बार चेक कर लो, क्या इन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था ग्लास पैलेस के लिए? जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, कॉमनवेल्थ मिला था, ठीक है। ओके, ग्लास पैलेस के लिए कॉमनवेल्थ था। ओके, कॉमनवेल्थ अवार्ड था, ये इन्होंने मना किया था कि, है ना, रिजेक्ट कर दिया था लेने से। चलिए बच्चे, मैच कॉलम करेंगे सबके अपने अपने वर्क्स के साथ। मुल्क राज आनंद, राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुंधति रॉय, इनके वर्क्स के साथ इनके राइटर्स को मैच करो। जी हरमन, वो फर्स्ट, अमिताभ घोष फर्स्ट इंडियन राइटर हैं जिनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। यस, ओके, यस। चलिए, मुल्क राज आनंद का वर्क था अनटचेबल, पहला था। राजा राव का कांथापुरा पहला था। अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी पहला वर्क था। और टैगोर का स्टोरी है अतिथि। यस जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्नेक इज अ फेमस पोएम अपीयर्ड इन, ये सारे वर्क्स ही A.K. रामानुजन के हैं। इनमें से कौन से वाले में स्नेक नाम की पोएम इंक्लूडेड है? बच्चे 5 क्वेश्चंस रह गए हैं। जिन जिन ने लाइक नहीं की वीडियो वो प्लीज़ लाइक करके जाएं और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आप क्लास में न्यू हैं तो भी अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि क्लास में आप अगर आए हैं पहली बार तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे रिकॉर्डिंग क्लास में भी आए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि क्लास कैसी थी। और जब यही क्वेश्चन 150 में से ही आपको 10 टू 15 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। इनमें से मिलेंगे आई होप सो। बाकी बच्चे, बाकी क्वेश्चन की सीरीज हमारे जो बैच स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्रॉपर पीडीएफ्स हैं सारे एमसीक्यूज की, ठीक है। सारे एमसीक्यूज, सारी वीडियोस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग भी बैच परचेज कर सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। प्राइस बच्चे बहुत ही थोड़ा है, 6500 हमारी रेगुलर फीस है जो इस टाइम 15% डिस्काउंट के ऊपर चल रही है। ओनली कल तक का टाइम है, 31 जुलाई तक का टाइम है। अगर आप ये डिस्काउंट ऑफर लेना चाहते हो आपको 5525 रुपीज़ पे करने हैं ओनली फॉर द फुल कोर्स। आपको सारा कोर्स मिलेगा 5525 में। स्नेक पॉइंट थी बच्चे द स्ट्राइडर्स में, ठीक है, स्ट्राइडर्स में थी, 1966 में आया था स्ट्राइडर्स। स्नेक पॉइंट इसमें शामिल थी। राजा राव को पद्म भूषण अवार्ड, भूषण है विभूषण नहीं है, ध्यान दे लेना आंसर लिखने से पहले, मैं नहीं चाहती आपका आंसर गलत हो। 1964, 69, 88, 2007 कब मिला था राजा राव को पद्म भूषण अवार्ड? आप लोगों में आपस में रेस लगी हुई है कि कौन पहले आंसर देगा। यस, तो जिनका थोड़ा सा भी नेटवर्क इश्यू है तो वो थोड़ा सा महंगे वाला रिचार्ज करवा लो ताकि, या फिर घर पे वाईफाई लगवा लो ताकि आप भी स्पीड से आंसर कर पाएं। वेरी गुड, 1969 इज द करेक्ट आंसर फॉर राजा राव पद्म भूषण अवार्ड जी। व्हेन रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न, अब अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद करनी है तो इनकी यूनिवर्सिटी कब इंस्टॉल हुई थी, कब यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई थी, वो डेट आपको याद रहेगी तो ये डेट के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। इनकी 100th एनिवर्सरी के टाइम पर एक यूनिवर्सिटी भी इनॉग्रेट की गई थी जी। ममताज जी बिल्कुल ठीक है आप। यस, 7 मई 1861 इनकी 100th एनिवर्सरी यानी कि सेंटेनरी पर इनकी 1961 में एक्ट पास हुआ था और 1962 में रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। नो बच्चे, विश्व भारती तो 1821 में थी बट 1962 में इनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी थी 100 साल के बाद, ठीक है बच्चे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी वो तो इनके जिंदा रहते इन्होंने ही बनाई थी। इनकी डेथ के टाइम पर, आफ्टर डेथ 100th एनिवर्सरी, डेथ बर्थ एनिवर्सरी मनाने के टाइम पर, ठीक है। चलिए, एके रामानुजन डाइड बिकॉज ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया कि ये मैसूर में पैदा हुए हैं, ये शिकागो में डेथ हुई है और इनकी डेथ कैसे हुई थी अब ये बताना है, कैसे हुई थी। वेरी गुड, एडवर्स रिएक्शन टू एनेस्थीसिया, किसी गलत नर्व में इंजेक्शन लगने के कारण शिकागो में इनकी डेथ हो गई थी। द नोवेल वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964, नेम इट। ये सारे ही वर्क्स राजा राव के हैं और राजा राव को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला था वो आपको बताना है। सरपेंट एंड द रोप, द काउ एंड द बैरिकेड्स, कैट एंड शेक्सपियर या कांथापुरा जी। यस, ये सरपेंट एंड द रोप है सही आंसर, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। बच्चे अभी मैं लास्ट क्वेश्चन रिवील करने वाली हूँ अपनी क्लास का। 6:33 हो गए हैं, 4:07 पर पहला क्वेश्चन शुरू हो गया था तो प्लीज़ पहले ये प्रॉमिस करिए कि क्लास ख़त्म होते ही आप लोग कमेंट सेक्शन को भर देंगे अपने ओपिनियंस के साथ, अपने व्यूज़ के साथ। आप लोग प्लीज़ रिव्यू करिएगा कि क्लास कैसी थी, टीचिंग स्टाइल कैसा था, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। आज की क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास थी, हमने पूरा इंडियन लिटरेचर ख़त्म कर लिया है, हमने आज इसका मॉक टेस्ट भी लगा लिया है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करिएगा, जो क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास लंबी ज़रूर हुई थी बट वर्थ इट थी। आई थिंक ये वर्थ इट क्लास थी। आज की क्लास से आप लोगों की नॉलेज सामने आती है, आपकी मेमोरी सामने आती है कि कितना आपको याद रहता है। कैट एंड शेक्सपियर 1964 वॉज डैश दैट आंसर्ड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पोज्ड इन द अर्लियर नॉवेल्स। क्या था ये? रोमांटिक कॉमेडी, गॉथिक नॉवल, पिकरेस्क नॉवल या एक मेटाफिजिकल नॉवल था ये? जी जी बिल्कुल ठीक है मंताज, यस यस अलीशा, वेरी गुड। जस्ट शगन, रिजवाना, नेहा, नितिका जी, जेफी, वेरी गुड। मेटाफिजिकल कॉमेडी थी ये कैट एंड शेक्सपियर, जो कि राजा राव का वर्क था। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास ओवर होती है। बच्चे 150 में से आप लोगों के कितने आंसर ठीक हैं ये मुझे आप बाद में, बाद में मुझे अभी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज देंगे, क्लास कैसी थी, और कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताएंगे कि आज के मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स थे। अभी नहीं बताने, नो नो नो, अभी रिवील नहीं करना, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आप लोगों को उसमें लाइक रिवॉर्ड भी दूंगी उस चीज़ का, ठीक है जी। थैंक यू, गेम ओवर और आप जीते हैं 7 करोड़ रुपए, ठीक है जी। क्लास खत्म है यहीं से। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आज न्यू थे वो ये इंग्लिश विद शीनम मैम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप अपने आप को ज्वाइन करवा लो। ये फ्री चैनल है, सिर्फ आपको ज्वाइन बटन क्लिक करना है और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लस जो स्टूडेंट्स अभी भी हमारे साथ बैच में नहीं जुड़े हैं, तो बच्चे 15% ऑफ चल रहा है, जो कि सिर्फ कल तक का है, कल तक का टाइम है। आप मुझे कॉल करिए, हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी फ़ोन नंबर दिया हुआ है, प्लस मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ये स्क्रीन दिख रही है, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं। इस नंबर पर कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्लास में एनरोल हो जाओ, ताकि आप लोगों का इंडियन लिटरेचर भले ही मिस हुआ है बट ब्रिटिश लिटरेचर से लेके लिंग्विस्टिक्स तक, ग्रामर तक आपका कुछ भी मिस ना हो। प्लस हम लोग इंडियन लिटरेचर को रिपीट भी करेंगे, जिनका मिस हो रहा है हम रिपीट भी करेंगे। ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है क्लास में, ठीक है। और फिर भी अगर आप नहीं भी क्लास में आ पा रहे हैं तो भी रिकॉर्डेड क्लास देखना मत भूला करो, और कमेंट करना मत भूला करो, ठीक है। चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं, 6:30 हो गए हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप कमेंटिंग इन द वीडियो सेक्शन। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। रिकॉर्डेड ये आपको यूट्यूब पर अभी मिल जाएगा, ठीक है जी। बाय बाय।